किसको रबड़ाने आपके जलसे का आगाज में एक शेर से करना चाहूंगा। खुदा के नाम से जलसे का हम आगाज करते हैं, खुदा के नाम से जलसे का हम आगाज करते हैं, वही मालिक है, हम उसके कर्म पे नाज करते हैं। मैं इस जलसे के सरदार और किसी दारे के दूर रवान कारवां सदर जलसा डॉक्टर असलम फारूक साहब प्रिंसिपल को मधु करता हूँ इस शेर से के चमन के हर शगुफ्ते गुल से जैसे प्यार है सबको, चमन के हर शगुफ्ते गुल से जैसे प्यार है सबको, सारे महफिल सदारत आपकी तस्लीम है सबको। आइए असलम फारूक साहब। इसके साथ मैं आवाज देना चाहता हूँ मेहमाने खुसूसी चीफ गेस्ट आली जनाब डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी साहब को, वो आए और अपनी विशेष संभाले, उनके लिए भी एक शेर पेश करना चाहता हूँ। गुलों के जिस्म में खुशबू उतार देता है, गुलों के जिस्म में खुशबू उतार देता है, जलाले हुस्न तो परवरदिगार देता है। उसी के साथ मैं आवाज देता हूँ स्पेशल गेस्ट मोहम्मद आबिद मोई साहब को, डॉक्टर मोहम्मद आबिद साहब को स्टेज पर आने की दवा देता हूँ। तशरीफ लाइए आपका इस्तकबाल है इस जलसे में। सार के लिए भी एक शेर ग्रेट करना चाहता हूँ। वो लफ्ज लफ्ज को देता है मोतियों की चमक, वो लफ्ज लफ्ज को देता है मोतियों की चमक, वो कारे शाद कलम को निखार देता है। इसी के साथ मैं मेहमान खुसूसी डॉक्टर नजीब डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और नीचे संभालें। सार के लिए भी एक शेर करना चाहता हूँ। सिर्फ जिनको ही नहीं मुनव्वर नहीं रखा उसने, सिर्फ जिनको ही मुनव्वर नहीं रखा उसने, शबे जुल्मत में भी तकबीर अता करता है। उसके बाद मैं आवाज देता हूँ इस सिंपोजियम के कन्वीनर और रोहित रवान एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री पॉलिटिकल डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस के डॉक्टर गौस साहब को। डॉक्टर गौस साहब आए, आप निश्चित संभालें स्टेज पर तशरीफ लाएं। सार के लिए भी एक शेर अर्ज करूंगा। उठ अब बज़्म में जहां का और ही अंदाज है, उठ अब बज़्म में जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में ही तेरे दौर का आगाज है। और साथ ही साथ मैं आवाज देता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एचओडी डॉक्टर नरहरी साहब को, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश डॉक्टर नरहरी साहब आई विशेष समय एक जमाने सर आप। सार के लिए भी एक शेर पेश करूंगा। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावार पैदा। अब इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं फूल पेश करने के लिए डॉक्टर मुजफ्फर साहब कमर बच्चे साहब को आवाज देता हूँ कि वो हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर आगे सॉरी मोहम्मद प्रोफेसर मोहम्मद महमूद साहब को गुल पेश करें और साथ ही साथ एक छोटा चलिए अब इस प्रोग्राम को आगाज करते हुए
मैं डॉक्टर रॉस साहब को मेहमान है उस दिन के तमीज तारुफ के लिए मैं रिसेंट तो बुलाता हूँ वो मेहमान है उस दिन के तमीज तारुफ करवाए तमाम तुलबा के लिए। आइए डॉक्टर रॉस साहब। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, प्रोफेसर भारत साहब, जो कि विचार से आज महफिल सजी, आज के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर महमूद हसन अली साहब, ओएसडी वाइस चांसलर, मोहतरम डॉक्टर आबिद भाई साहब, मेहमान एजाजी डॉक्टर सैयद नजीबुल्ला साहब, सदर शोबे नज़्म नस्ताम्मा मानू, डॉक्टर डगर मुफ्ती सर आईक्यूसी कोऑर्डिनेटर, मेरे साथी असातिज़ा जानी साहब मोइन साहब, मेरे साथी असातिज़ा और प्यारे तमाम तालिबान, मैं आप सबकी तवज्जो सबसे पहले महबूब सिद्दीकी साहब का तारुफ पेश करता हूँ। दो दो जुमले में गालिबन एक जुमले में हो जाएगा। हमने 11 तारीख को ईद मनाई थी, ईद उल फितर, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज ये दूसरी ईद हमारे जहराबाद वालों की है। मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि तारुफ को भूल के इसके बाद किया जाए। हमारे बच्चे कहते हैं कि मानू जाना है, मानू जाना है एजुकेशन बोर्ड को, फिजिकल एजुकेशन बोर्ड को, लेकिन आपको यह बात बता दूं कि मानू तो यहाँ से दूर है, लेकिन मानू आज यहाँ हमारे पास आई है। हम ख्वाहिश करते हैं कि जनाब प्रोफेसर साहब को हम देखें कि वो शेखुल जामिया किसी यूनिवर्सिटी के बने और हम फिर से साहब की तहरीर तफरीक जहीराबाद में मुनाकिद करें। साहब की नजर अल्लामा इकबाल को वो शेर नजर करता हूँ प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी साहब के बारे में, कि कुवत फिक्र व अमल पहले फना होती है कि किसी कौम की शौकत पे सवाल आता है। ये ऐसा फलसफा है कि मैं समझता हूँ कि हमारे उस्तादों असातिज़ा के लिए ये शेर गालिबन इकबाल साहब ने लिखा होगा। मेरे ख्याल तो बहुत दूर तक की बात है जो आपके जहनों में उतरना चाहिए, बल्कि इसी के लिए आपको यहाँ जमा किया गया। दूसरे मेहमान डॉक्टर आबिद भाई साहब, जिनकी किताबें न सिर्फ हिंदुस्तान में पढ़ी जाती हैं, बल्कि वो इक्वली पाकिस्तान में भी मकबूल है। These are all of 26 books, I think more than 26 books. 40 किताबों के मुसन्निफ हैं। मैं समझता हूँ कि आपको तालियां मारने में कल्पना से भी कमी है। गुफ्तगू सुनकर मैं समझता हूँ कि आज हमारा वो क्या कहते हैं पैसा वसूल हो जाएगा इंशाल्लाह। और आपकी गुफ्तगू न सिर्फ आपके मुस्तकबिल के लिए बल्कि आने वाले आपके 30-40 सालों के लिए एक एक जुमला आप साहब का मान कर ले जाइए, जरूर इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में तब्दीली आएगी। आई होप हे ट्रांसफर हिज हार्ट्स एंड फिलॉसफी टू योर माइंड्स, इंशाल्लाह जरूर होगा। अब मैं तीसरे मेहमान हमारे इससे पहले डॉक्टर सैयद नजीबुल्ला साहब उस वक्त आए थे जब वो सदर नहीं बने थे शोर के, लेकिन आज वो सदर शोबे नज़्म-ए-नस्ताम्मा के हेड ऑफ पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मानू। और मैं साहब के बारे में आपको बोल दूं कि ये न सिर्फ HRDC एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में असातिज़ा को ट्रेनिंग देते हैं, बल्कि IAS और IPS वालों को ह्यूमन राइट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आप क्लासेस लेते हैं। आपका इस कॉलेज में इस्तकबाल है। ये तो थी पहली तमहीद, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सिंपोजियम के बारे में मैं बता दूँ। दो तीन एक मिनट होगा सर, उसके बाद मैं इंशाल्लाह हमारे मेहमानों के पास आ जाएगा। आपने देखा होगा कि सिंपोजियम का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया गया,
सिंपोजियम का लफ्ज का तर्जुमा ये है कि किसी खास मौजू पर जब गुफ्तगू की जाए, डिबेट ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट टू ब्रिंग आउट ए पर्टिकुलर नैरेटिव एंड डिस्कोर्स, इस कॉल्ड सिंपोजियम। दीगर सेमिनारों में, वर्कशॉप में, कॉन्फ्रेंसों में होता ही है कि मल्टीपल थॉट्स वहां कॉन्सेंट्रेट होते हैं, बट वन पर्टिकुलर कंक्लूजन के ऊपर आना सिंपोजियम का मकसद होता है। आप जहन में रखिए इसके लिए आपको और आने वाले दिनों में मुख्तलिफ जामियात में, मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ आपके करियर से जाना है, तो ये बात आप जहन में रखिए। और जब यहाँ से आप चाहें 2 बजे निकलकर या 1:30 बजे निकलकर, 1:30 से 2 बजे निकलकर, तो आपके जहन में आज की महफिल का फलसफा आपके जहनों में हो। और मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि जो यहाँ सुनेंगे उसको आप जरूर नोट करें। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से निकलेंगे तो बाहर जाकर वही पुरानी रविश अख्तियार करें जो कि पहले 3 साल पहले थी। जी, जब आपने एडमिशन लिया था उस वक्त आपकी हालत अलग थी, लेकिन आज के 2 बजे के बाद आपकी कैफियत बदलनी चाहिए। इसलिए कि हमने वो ये तीन अशखास नहीं बल्कि 3 इदारे हैं, ये 3 इंसाइक्लोपीडिया है जो आपके सामने लाए गए हैं, जो न सिर्फ अपने पेशे में बहुत ज्यादा माहिर है बल्कि ये पेशेवर लोगों को ट्रेन करते हैं, पेशेवर लोगों को ट्रेन करते हैं। गरल, मैं एक और बात आपको बोल दूं कि आज का तालिब इल्म एक पौराणिक दौर से गुजर रहा है। टुडेज एकेडमिया और स्टूडेंट्स इज इन ए वेरी डीप क्राइसिस, वे एक पौराणिक दौर से गुजर रहा है। इसको हम दो अरमाना से डिवाइड कर सकते हैं। पहला बोरान है शिनाख्ती बोरा, आइडेंटिटी क्राइसिस। स्टूडेंट को मालूम ही नहीं है कि मैं तालिबे इल्म हूँ, मेरा धंधा क्या है, मेरा कारोबार क्या है, मुझको क्या करना है, 10 बजे मैं यहाँ क्यों आया हूँ, यहाँ क्यों आई हूँ, और मुझको 3 साल के बाद क्या करना है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस हमारा एक स्टूडेंट के पास ग्लोबली है, मैं नेशनल पर्सपेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबली एकेडमिया इज ए वेरी डीप क्राइसिस, नंबर दो। दूसरा क्राइसिस ये है जिसको आप फिक्री बोरान कह सकते हैं, फिक्री बोरा, थिंकिंग क्राइसिस। ये थिंकिंग क्राइसिस जिस पर फोकस करने के लिए हमने ये सिंपोजियम रखा, एक आइडेंटिटी क्राइसिस को, दूसरा फिक्री बोहरान को, दोनों को दूर करने के लिए रखा है। मैं समझता हूँ कि ये दोनों बोहरान आपके 2 बजे के बाद निकल जाएंगे। 2 बजे जब आप यहाँ से निकलेंगे, दरवाजे से बाहर निकलेंगे या कॉलेज के गेट से बाहर निकलेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि मैं एक तालिबे इल्म हूँ और मुझे इस पर फोकस करना है, क्या मेरी सोच और फिक्र होनी चाहिए। इसीलिए मैंने अखबार के उस शेर से तमीज बांधी थी। पॉइंट नंबर 2, आपने देखा होगा मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने में हम जब बैन अवी तालुकात पढ़ाते हैं तो चूंकि यह बात आपके इल्म में लिखी, द आर्ट ऑफ वॉर एक किताब लिखी गई थी, ये क्लासिकल बुक है लेकिन 4 लोगों ने लिखी थी जो बहुत ज्यादा बेस्ट सेलर है दुनिया में, The Art of War। ये Art of War जो है एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के लिए, मुनज़्ज़म सोच के लिए, मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी के लिए लिखी गई थी, जिसमें चाइना के जो सनजू थे, SUNTZU, सनजू, और दूसरे मैकियावेली, तीसरे क्लॉज़विट्ज़, चौथे जोमिनिंगी, ये चारों स्विट्जरलैंड की है, ये 4 लोगों ने जब ये किताब लिखी थी, तो आज भी दुनिया या फिर पेंटागन उसी वारफेयर को उसके अंदर सिलेबस के अंदर शामिल करता है। हमने भी इंडियन आर्मी फेयर के अंदर की किताबों को पढ़ाते हैं कि कैसे इंडियन आर्मी को काउंटर अदा करना चाहिए, काउंटरफीट अदा करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तालिब इल्मों को कम से कम उसकी तमीज पढ़ना चाहिए 4 किताबों में। जजाए के आथर्स ने कौमों को बनाने में बड़ा अहम किरदार किया था, लेकिन उन्होंने बात शुरू की थी एक स्कॉलर से, एक सिटीजन से, एक इंडिविजुअल से, एक फर्द से। मैं समझता हूँ कि ये 4 किताबें आपकी बड़ी रंग लाएंगी। और एक आखिरी बात, एक अमेरिकी मुफक्किर है जोसेफ नाई, सुरेंद्र गर्ग, जोसेफ नाई स्पीक्स अबाउट स्मार्ट पावर एंड सॉफ्ट पावर। आप पढ़ते हैं सॉफ्ट पावर, स्मार्ट पावर, इंडिया इज सॉफ्ट पावर, ग्लोबल पावर, चाइना इज सॉफ्ट पावर पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे कम लोग जानते हैं उसने अपनी किताब में एक और बात लिखी थी जिसका नाम था कॉन्टेक्स्टुअल इंटेलिजेंस।
कॉन्टेक्स्टुअल इंटेलिजेंस की बात नहीं थी। मैं ये चाहता हूँ कि दाले पे इनके आज का जो उन्वान है सलाहियतों का फरोग या फिर कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए आपको कॉन्टेक्स्टुअल चैलेंजेस हासिल करना चाहिए, ताकि आपको ये मालूम हो कि एक अहम इस्तलाह ऐसी है जिसका मतलब यह है कि एक ऐसी जहानत है, एक ऐसा इंटेलिजेंस है जिसके बल पर हर चीज का सियाह व सबाब और मौका महल मुतय्यन किया जा सकता है। यू कैन डिटरमाइन दैट व्हाट इज टू बी हैड। तो ये कॉन्टेक्स्टुअल इंटेलिजेंस में आप ये बात देख सकेंगे, जाहिर कर सकेंगे कि आज का मेरा 2024 कैसा गुजरा है, आने वाला 2034 मेरा कैसा होगा, मेरे कॉलेज का कैसा होगा, मेरी फॉर्म का कैसा होगा, मेरे मुल्क का कैसा होगा। थैंक यू सो मच। हमारे कॉलेज में तेलंगाना का बेहतरीन खाबिरी हमला मौजूद है सर, जो बरसों से हम यहाँ कोर्स डिलीवर कर रहा है टीचिंग में है। ये हमारा एसेट है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल फ़ख्र है। हमारे तलबा भी वाकई काबिल अज़मत है कि उन्होंने भी ऐसा साथ पाया है। मैं सबसे पहले शकुंतला मैडम का तारुफ कराना चाहूँगा सर। शी श्रीमती शकुंतला मैडम, शी इज़ ए प्रोफेसर ऑफ तेलुगु आपका। उसके बाद
ठीक है, आप थोड़ा में थोड़ी तब्दीली करते हुए मैं होनहार दल तालिबान जो सिंपोजियम के बारे में अपने ख्याल का इजहार करेंगे, तो सबसे पहले मैं बीकॉम सेकंड ईयर के स्टूडेंट आमिर मूसा को नवाज देता हूँ कि वो आए अपने ख्याल का इजहार करें। दो मिनट तलबा के सिर्फ दो मिनट मुकर किए गए हैं। शहनशीन पर तशरीफ फरमा प्रिंसिपल सर, मेहमानाने खुसूसी, मौजूद लेक्चरर्स और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आप सबका तहे दिल से आज के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूं और आज के मेहमान और हमारे प्रिंसिपल सर की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज हमें इस बेहद मुफीद प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया। जिस कौम के बच्चे नहीं खुददार वो हुनरमंद, जिस कौम के बच्चे नहीं खुददार वो हुनरमंद, तुम उस कौम से तारीख के मेमार ना मांगो। जिस शख्स के पढ़ने का मकसद सिर्फ नौकरी हासिल करना हो, उस कौम में सिर्फ नौकर ही पैदा होते हैं, लेकिन जिस शख्स का पढ़ने का मकसद दूसरों की रहनुमाई करना हो, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप करना हो, तो उस कौम में सिर्फ रहनुमा ही पैदा होते हैं। हमारे अंदर ऐसी कौन सी सलाहियतों को उभारना चाहिए जिससे हम असली तकाजों के हिसाब से आने वाले नए नए चैलेंजेस को बेहद आसानी के साथ फेस कर सकें। उसमें सबसे पहला चैलेंज आता है, सबसे पहला तकाजा है मवासिलाती महारत, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। पूरा एतमाद शख्स अगर कम्युनिकेशन स्किल सीखे हुआ है तो वो अपने ख्याल का बेहतरीन तौर पर इजहार कर सकता है और अपने ख्याल को दूसरों तक भी बेहतरीन अंदाज में पेश कर सकता है, जो उसे अपने ज़ाती जिंदगी और काम की दोनों प्रोफेशंस में भी कारामद होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद आती है लीडरशिप क्वालिटी स्किल्स, जिसमें अगर लीडरशिप की बेहतरीन सिफत यह है कि वो टीम वर्क के साथ नए नए चैलेंजेस को किस तरह से हमें फेस करना है वो बताता है क़यादत की स्किल्स में। उसके बाद आती है रिस्क टेकिंग स्किल्स, खतरा मोल लेना, यानी अगर कोई शख्स बेहतर लीडर है तो खतरा मोल लेते हुए नए नए तरीकों को ऐजाद करेगा और उससे अपना शोहरत हासिल करेगा। उसके बाद अब टेक्निकल स्किल्स आती है, जिस तरह प्रोग्रामिंग स्किल्स है, AI स्किल्स है, अगर हम ये स्किल्स अपने अंदर बिल्डअप करेंगे तो हम इंशाल्लाह आगे के चैलेंजेस को बेहतरीन अंदाज से सामना कर सकेंगे। उसके बाद आती है सॉफ्ट स्किल्स, ये बाहमी और मवासिलाती दोनों में महारत रखती है, जिससे हम दूसरों के साथ किस तरह से हमें काम करना है ये उसमें मौसर तरीके से काम करने के काबिल बनाती है। इसमें टीम वर्क शामिल है, लीडरशिप शामिल है, इमोशनल इंटेलिजेंस शामिल है, इसमें तकनीकी सलाहियतें भी आती हैं सॉफ्ट स्किल्स में। फिर इसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, किसी मसले में हम इनडेप्थ एनालिसिस करते हुए उस मसले को किस तरह से सॉल्व करना है, यह आता है क्रिटिकल थिंकिंग और मसले के हल में। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी है, यानी कारोबारी सलाहियतों में कि किस तरह हम कारोबार को जदीद तरह से पुराने कारोबार को जदीद करते हुए किस तरह से हम कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारी स्किल्स हैं, जैसे टास्क टेकिंग स्किल्स, इफेक्टिव रिसर्च एंड राइटिंग स्किल्स, एनहांस लर्निंग, यानी लर्निंग को बढ़ाते हुए हम किस तरह से आगे के चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। और सब में आखिर में और जो बहुत ही कारामद बेहद मुफीद है वो है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, क्योंकि वक्त एक महदूद वसीला है और काम को हमें मौसर तरीके से करना है तो हमें टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत जरूरी है। ये तालीमी महारत और काम की जिंदगी दोनों में तवाज़ुन पर खड़ा रहती है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अगर हमारे अंदर है तो हमें तालीमी मैदान में भी उस स्किल्स के जरिए हम चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और हमारे आम नॉर्मल जिंदगी जो घरेलू जिंदगी रहती है उसमें भी तवाज़ुन बरकरार रख सकते।
इतना कहकर मैं अपनी जगह लेती हूँ, जज़ाकअल्लाह खैर। चलिए मैं आपका मीडिया के बीकॉम स्टूडेंट अमीर नसर का जरीन खैरात का सम्मान कर रहे थे। अब मैं आवाज़ देता हूँ ज़ेबा तस्कीन को, बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हुआ है, और इस गीत के बारे में अपनी खैरात का इजहार करें। मैं ज़ेबा तस्कीन, शोबे सियासिया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद में आज मनाकिद एक रोज़ा सिंपोजियम में आप तमाम का खैर मुकदम करती हूँ। तलबा में सलाहियत का फरोग असली तकाजे उन्वान के तहत ये सिंपोजियम खुसूसन हम तलबा के लिए रखा गया है। मैं इस मौके पर लड़कियों और खातिन में सलाहियतों के फरोग के जिम्मन में अपने चंद ख्यालात का इजहार करना चाहती हूँ। जैसे कि आप तमाम जानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपनी मखलूक अशरफुल मखलूकात में पैदा फरमाया है, और साथ ही साथ हमें जिंदगी बख्शी, अकल बख्शी और हवास नफीसा के जरिए बेहतरीन जिंदगी गुजारने का मौका दिया। अच्छी सलाहियत काम करने का वो हुनर है जिससे इंसान अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार सकता है। एक इंसान की जिंदगी में सलाहियत का होना बहुत जरूरी है। सलाहियत कई किस्म की हो सकती है, जैसे लिखने की सलाहियत, पढ़ने की सलाहियत, और यहाँ पर खड़े रहकर अपनी बात आप लोगों तक पहुँचाना भी एक किस्म की सलाहियत है। इसी तरह असर हाजिर में ऐसी कई शोबे हैं जो तालिब इल्मों को एक प्लेटफॉर्म अदा करते हैं जिनकी बिना पर वो अपनी सलाहियतों को जान सकते हैं, उभार सकते हैं, जिसके बिना पर वो दुनिया में मंजर आम पर आते हैं। इसी तरह जैसे कि हम तमाम जानते हैं, आज हम तमाम ये देख रहे हैं कि समाज में लड़कियां मुश्किल हालात से गुजरते हुए भी आला तालीम हासिल कर रही है। आला तालीम हासिल करने के साथ साथ लड़कियों को चाहिए कि तालीम के साथ साथ ऐसे हुनर सीखे जिसके बिना पर उनकी जिंदगी बेहतरीन बने। ज़ेबा तस्कीन को सुन रहे थे, अब मैं आवाज देता हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सिमरन बेगम। आज मुझे जिस मौजु पर बात करने का मौका मिला है वो है तलबा में सलाहियतों का असली तकाजे। इस प्रोग्राम का असली मकसद यह है कि लड़कियों में सलाहियत और हुनर को कैसे उजागर किया जा सके। को भी चाहिए कि वो तलबा में सलाहियतों और हुनर को उजागर करे ताकि वो आने वाले मुस्तकबिल में कामयाब बन सके। खेल कूद के प्लेटफॉर्म में तलबा को अपने हुनर की सलाहियत को उजागर करना है। जैसे मिसाल के तौर पर पीवी सिंधु, निखर जरीन, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, इन लोगों ने खेल कूद के प्लेटफॉर्म में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जहाँ पर ये अपनी फैमिली के साथ पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। तो हमारी भी लड़कियों को चाहिए कि वो ऐसे हुनर का इस्तेमाल करें जहाँ से वो अपने आप को एक मुकाम पर खड़ा पा सके। इतना करते हुए मैं जानना चाहती हूँ। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रोजा रहमत को उपस्थित कराता हूँ, अपने हालात का इजहार करें। यदि आए रोजा रहमत वक्त मुकर रहा है आपको दिया गया है बात सुनिए। अहमद अल सर याला रसूल करीम अबावार अली जनाब प्रिंसिपल सर मेहमान ने खुसूसी और अजीज लेक्चर सर मेरे प्यारे साथियों सबका सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जैसे कि आप तमाम जानते हैं कि आज का उनवान तलबा में सलाहियत और असली तकाजे। जैसे कि हम तमाम जानते हैं कि आज के दौर में हर तालिब इल्म में कोई ना कोई तकलीफें सलाहियतें पाई जाती है। कोई पेंटिंग में परफेक्ट रहता है, कोई डिजाइन में, कोई सिंगिंग में, हर चीज में, कोई पढ़ने में, कोई स्केच पियर रहता है, हर तालिब इल्म में कोई ना कोई सलाहियत पाई जाती है। लेकिन वो तालिब इल्म उन सलाहियतों से वाकिफ नहीं रहता है। अगर वो तालिब इल्म उन सलाहियतों को पहचान लेगा तो आज के असली तकाजों का वो सामना कर सकता है। आज के असली तकाजों का सामना करने के लिए तालिब इल्म को कंप्यूटर स्किल्स आना चाहिए, इंग्लिश टॉकिंग आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आना चाहिए, टाइपराइटिंग आना चाहिए, जिसके जरिए से वो असली तकाजों का सामना कर सकता है। तालिब इल्म के लिए जाती घरेलू तकाजे भी हैं, चैलेंजेस हैं तालिब इल्म के लिए। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो टैलेंटेड है, सलाहियतें हुनर रखती हैं, लेकिन वो आला तालीम हासिल नहीं कर सकती है।
आज मैं ऐसे दिखाता हूँ, बहुत से ऐसे टैलेंटेड लड़कियाँ हैं जो अच्छा पढ़ती हैं, लेकिन इनके वालिदैन इनको जमातों से आला तालीम हासिल करने के लिए शहर नहीं भेजते हैं। उनके लिए एक चैलेंज है, वालिदैन को उनको उनका बैक सपोर्ट करना चाहिए। अगर इनके पास बैक सपोर्ट रहेगा तो तालीम में हर चीज हासिल कर सकते हैं, कामयाबी की तरफ रागिब हो सकता है। हमें कंप्यूटर स्किल्स भी आना चाहिए, इंग्लिश टॉपिंग आना चाहिए। अगर हम इन तमाम चीजों से दूर रहेंगे तो हमारा हाल ऐसा होगा, चलते रहेंगे काफिले हमारे बगैर भी यहाँ, चलते रहेंगे काफिले हमारे बगैर भी यहाँ, एक सितारा टूट जाने से बड़ा तन्हा नहीं होता। जजाक। इसके साथ मैं आवाज देता हूँ बीकॉम के बिना फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट आयशा मसूद को, वो आए और अपनी मेहनत का इजहार करें। उसका लिहाज अली जना प्रिंसिपल सर, मेहमान खुसूसी मुआफ़िज़ लेक्चरर और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलबा में सलाहियतों का फरोग़, असली तकाज़े आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने आप को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। हमें सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट, हमें क्या करना है, क्या बनना है। पहले मैं क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताऊंगी। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब नए नई चीज़ें ईजाद करना, नए चीज़ों को सोचना कि कोई चीज़ अगर मार्केट में आई है तो वो किस तरह से आई है। तलबा में क्रिटिकल थिंकिंग का होना ज़रूरी है और क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन भी बहुत ज़रूरी है। ये किसी में भी आ सकता है, हो सकता है आप कुछ सोच रहे हो, नए तरीके से सोच रहे हो, बस आप कहने से डरते हो। आपको लगता है कि शायद मैं इस बात को बोलूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कामयाब हुए हैं वो उन लोगों की प्रोजेक्टों की शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में वो प्रोजेक्ट्स कामयाब हुए हैं और उन्होंने और कई बार वो प्रोजेक्ट फेल भी हुए, लेकिन उन्होंने कामयाबी की बुलंदी छुआ उन प्रोजेक्टों ने। और हमारे अंदर क्रिएटिविटी मौजूद हो और हम वो समझ सकें तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना है। अगर हम मेंटली स्ट्रांग होंगे तो हम कुछ नया करने का सोचेंगे और कुछ कर सकेंगे जिससे हमारा फिजिकली करने का मन लगेगा। किसी शख्स ने बहुत अच्छे चार अल्फाज कहे हैं कि जानने के लिए सीखो, करने के लिए सीखो, जीने के लिए सीखो, कुछ बनने के लिए सीखो। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव एंड लर्निंग टू बी। लर्निंग नई होने सीखे, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखिए। हमारे अंदर कुछ सीखने के लिए दिलचस्पी होना, अपनी सोसाइटी में अपनी एक पहचान बनाना ही हमें, जिसके लिए कम्युनिकेशन स्किल का अपने पास होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल आपके सामने वालों से आप किस तरह से बात कर सकते हैं, अपने कस्टमर से, अपने डीलर से, और एक स्टूडेंट के अंदर तो इस बात का होना बहुत जरूरी है कि वो अपने सामने वाले से किस तरह से बात कर रहा है। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, आपको शुरुआत करनी है। जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ गलत हो और कहाँ सही हो, क्योंकि गलत सही का पता तब चलता है जब आप उसमें जाओगे, अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाओगे, समझोगे कि किस तरह से उसको बनाया गया है, उसे कैसे ईजाद किया गया है। मौजूदा दौर में इस जानकारी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंटरनेट पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन कौन सी सही है और कौन सी गलत है ये आप लोगों को पहचानना है, आप लोगों को इसको मालूम करना है। और आजकल सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है, आजकल की इंफॉर्मेशन भी सोशल मीडिया के जरिए ही ज्यादा होती है, वो चाहे न्यूज़पेपर हो, टेलीविजन हो या फिर मोबाइल फोन हो। हर स्टूडेंट को सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है और अपनी टेक्नोलॉजी भी इस डिजिटल मार्केट में बहुत बड़ा हाथ है। आजकल काफी सारी टेक्नोलॉजी मौजूदा जमाने में आ रही है, तो स्टूडेंट के अंदर इस इंफॉर्मेशन का होना भी जरूरी है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, किससे हमें फायदा है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, अपनी सोसाइटी का, अपने देश का नाम किस तरह से रोशन करना है। याद रखिए मंजिल हमेशा उन्हीं को मिलती है जो मंजिल की तलाश में निकलते हैं। सो अपने अंदर एक जुनून, एक जज्बा पैदा कीजिए और कुछ कर दिखाइए। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। मैं बीए सेकंड ईयर स्टूडेंट असलम आहिन को दावत देता हूँ कि वो आए स्टेज पे और अपने ख्याल का इजहार करें और वक्त का ख्याल रखें। असलम आहिन है बीए सेकंड ईयर स्टूडेंट। रिस्पेक्टेड
प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, तमाम लेक्चरर्स और हमारे खुसूसी सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के हमारे प्रोग्राम का उन्वान तुलबा में सलाहियतों का फरोग अजीज तकाजे। इस प्रोग्राम पर इंशाल्लाह मैं ख्याल का इजहार करूंगी। अजीज असातिज़ा और मेरे साथियों, आज हम सब एक तालिबे इल्म की हैसियत से यहाँ पर जमा है। अपने टॉपिक पर आने से पहले मेरा आप तमाम से एक सवाल है कि तालीम क्या है? तालीम क्या है ये सुनते ही हमारे जहन में मौजूदा तर्ज का तरीका तालीम आता है कि एक कमरे में बैठकर किसी मजबूर की किताब के चंद लाइन समझ लेना, याद कर लेना और इम्तिहान में लिखकर अच्छे मार्क्स लाना और उसके जरिए से किसी अच्छी कमरे के अहल बन जाना, ये चीजें हमारे जहन में आती है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस में बहुत बड़ी तादाद में तुलबा और तालिबा तालीम हासिल कर रहे हैं, फिर भी हर तालिब इल्म अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने करियर के लिए परेशान है। वो कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से नौजवान मुस्तकबिल में तरक्की से अमकिना नहीं हो पा रहे हैं? इसकी असल वजह तालिबात की सलाहियतों में कमी है। तालीम के मकसद को सही न समझना या इस तालीम को एक रस्म अदायगी कि बच्चा बोलने में और होश संभालने की उम्र में पहुंचे तो स्कूल जाए, जब स्कूल की तालीम मुकम्मल हो जाए तो कॉलेज कर ले और अगर कॉलेज में पास हो जाए तो आगे पढ़े या न पढ़े या किसी छोटी मोटी नौकरी या कारोबार में लग जाए। हमारी इसी छोटे फिक्री नजरिए की वजह से आज हमारे कई तालिबे इल्म तालीम हासिल करने के बावजूद भी एक गैर तालीम याफ्ता शख्स की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमसे क्या कोताही हो रही है? कोताही ये है कि हमने तालीम को जिंदगी गुजारने के लिए सीखा है जबकि तालीम जिंदगी बनाने के लिए होती है। तालीम सिर्फ किताबी ना हो बल्कि दौरे हाजिर में असली तकाजे ये है कि तालीम हमारी सलाहियतों की नशोनुमा का सबब बने, हमारी फिक्री फनी पेशावराना सलाहियतों को फरोग दे। तालीम में सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, तरबियती वर्कशॉप्स, अदबी और साइंसी प्रोग्राम्स के जरिए हम हर तालिबे इल्म अपना हुनर पेश करें। हर तालिबे इल्म अपने आप को इस काबिल बनाए कि वो खौफ का मेयार बने। हर लड़का या लड़की जिंदगी के सख्त तरीन हालात में भी उम्मीद का दामन न छोड़े। आज नौजवान नस्ल छोटे छोटे मसाइल पर खुदकुशी को मसाइल का हल समझते हैं। घरेलू मसाइल, घरेलू झगड़े, माली तंगी, कारोबारी मसाइल, इम्तहान में नाकामी वगैरह वगैरह, इन तमाम छोटे मोटे मसाइल का आज हमारे तालीम याफ्ता नौजवान गलत फैसलों से अपनी जिंदगी को गंवा देते हैं। एक तालीम याफ्ता नौजवान को एक पेंसिल की मानिंद होना चाहिए कि जब हम पेंसिल के एक सिरे को तराशते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जब वो टूट जाती है, दो टुकड़े हो जाती है, तो हम उसे फेंक नहीं देते बल्कि दूसरे सिरे को तराशते हैं और एक पेंसिल से दो पेंसिल बन जाते हैं। हमारे मसाइल हमारी जिंदगी का खात्मा नहीं है बल्कि नई जिंदगी का रास्ता हमवार करे। गर्ज ये है कि तालीम याफ्ता नौजवान हर तर्ज की सलाहियतों का हामिल बने, हमारी तालीम हमारी जिंदगी गुजारने नहीं बल्कि जिंदगी बनाने का जरिया बने। इतना कहते आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। आखिर में एक शेख सलाम की बात खत्म करूंगी कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही अगर हासिल हुआ था। जज़ाकअल्लाह। अभी आप तमाम तलबा के फैला का सम्मान कर रहे थे, हमें आगे सवाल बढ़ाते हुए इंग्लिश डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर नरहरि साहब को दावत देता हूँ कि वो आए इस स्टेज पर और अपने प्यार का इजहार करें। एक शेर के साथ मैं सवाल करता हूँ, ना पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, ना पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संगे दिल को मोह करने का हुनर रखता है वो। Respected principal sir, respected guests of honor, esteemed guests of honor, esteemed my colleagues of the stage and my students. At the outset, I wish to congratulate Department of Political Science for organizing such a wonderful symposium with the participation of stalwarts in their field. Sir has said that Manu has come. Yes, it's different. Indeed, it's a true thing that Manu is not in now not in Hyderabad, but it is in Jehanabad Government Degree College. Yeah. Thank you. Actually, I have been given 5 minutes of time to share my views. I will try my level best, and my topic is compatibility of students to achieve goals. Okay, but goals, everybody has goals. But the problem is,
Are we able to achieve goals or not? That is the big problem. With my practical experience, I can say a few things. The biggest obstacle, the biggest challenge a student faces in achieving his goal is lack of concentration, lack of attention, or we can call focus. We have brain, we have thinking capacity, we have metabolism, everything is going on. But the problem is, are we able to pay sufficient attention on the topic in which we need to excel? That is the question. Because the most important thing is, listen carefully, here the key thing is energy. If you have sufficient, abundant energy, then your focus and attention will be precise. Otherwise, it will be fluctuating. Everybody's energy is limited. But the problem is, are we spending that energy in a rightful manner or not? That is the biggest thing we have to think about. And in most cases, we are spending energy uselessly through useless thought processes. There are four stages in our human day-to-day life existence. Pura char star hai. One is waking state, second one is dreaming state, third one is deep sleep state, fourth one is fourth state. So in waking state, whatever life we have to conduct, that is the only state in which waking state is there. But with the, what is it, so many number of thoughts, today, nowadays, the YouTube or social media has been doing so much damage to human focus and attention. We cannot be able to concentrate on any single topic more than 20 seconds. Yes. And you know, when I travel through bus, through train, I see many people are moving their fingers through shots. Shots are for 5 seconds, 10 seconds, 20 seconds, not more than that. And entire journey, entire daytime, entire fruitful time, they are spending the time with the mobile, going through the shots. So, there is a method, there is a practice, there is a sadhana through which you can develop the quality of attention in you and you can reduce the number of thoughts. When number of thoughts are reduced, ultimately your focus and attention capacity will increase. So let us do a small practice, all of us. Okay, please sit straight. Sit straight. Your spine shall be erect. In the animal kingdom, in the entire animal kingdom, only human being can keep his spine vertical, even not chimpanzee. So please, spine erect. Close your eyes. I'm not taking more than 2 minutes, sir. Close your eyes. Please close your eyes. Focus on your breath. Take a deep inhalation. Deep inhalation ka matlab hai andar jane wali saans. Take a deep inhalation, feeling the sensation at your throat. Make your throat little bit stiff. And mentally make a sound, not orally, mentally make a sound, hum, mental. Inhalation, hum, deep inhalation. Inhale. Hold. Exhale. Mentally say so. So. In exhale. Now once again. Inhale. Mentally chant hum. Hold. Exhale. Mentally chant so. और एक बार करें, तीन बार करेंगे तो अच्छा है. Yeah. Sit straight. Close your eyes. Inhale. Mentally chant
हम होल एक्सेल सो दिस इज ए ब्रीथिंग टेक्निक नाउ यू कैन ओपन योर आईज the principle, the formula behind this breathing technique is if you want to you move your thought, your breath shall move. Without the movement of the breath, thought won't move. There is a link, there is a connection between thought and breath. If you can regulate, if you can control your thought, you can control, if you can control, if you can regulate your breath, you can control your thought. So, whenever so many thoughts are coming, whenever focus attention is not possible for you, do this breathing exercise and you will gain ultimately the thought control and your quality of attention will also increase. Thank you, sir. Thank you very much. अभी आप लोग डॉक्टर नरेश साहब से सम्मान कर रहे थे यार, बहुत अच्छी बातें बताई हैं डॉक्टर साहब ने. तो मैं समझता हूँ कि आप जिंदगी में हर उम्र में काम आएंगी. अब मैं आवाज देता हूँ स्टेज के लिए अपने लिए डॉक्टर सैयद नलुआ साहब को, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मानो हैदराबाद. उनका स्टेज से इस्तकबाल करता हूँ कि वो आए स्टेज संभाले. आप जो आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप जो आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल काउंटर से भी आई खुशबू. हमारे साथ ही हैं और शर्मा प्रोफेसर यूनिवर्सिटी और डॉक्टर आबिद मुनी साहब सबसे पहले तो मैं इस कॉलेज के अध्यापकों और प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे दूसरी बार इस कॉलेज में आने का और आपसे मुखातिब होने का मौका दिया. मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देखकर कि यहाँ पे काफ़ी तलबा खासकर लड़कियाँ बी ए बीकॉम बी एस सी से तालीम हासिल कर रहे हैं. मैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अलग अलग फैसल में अपने तलबा ने बहुत अच्छे अपने ख्याल जाहिर किए, इससे मुझे लगता है कि इनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी अच्छी तरीके से हो रही है. इसमें मौजू के हिसाब से अगर मैं मुख्तसर से बोलूँ तो दो चीज़ें हैं जिसका जिक्र भी अपने तलबा ने भी किया है. एक है आप अपनी सलाहियतों को उभारना और उसको जाहिर करना, ये दो चीज़ें अपने आप में अलग हैं. आप अपने कैपेसिटी बिल्ड करना एक चीज़ है, उसे जाहिर करना एक चीज़ है. तो बिल्ड करने के लिए कॉलेजेस में हमारे कोर्सेज वगैरह हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करते हैं. उसके इजहार करने का भी समझिए सेमिनार वगैरह के जरिए से जैसे हमारा मौका मिल रहा है. मगर इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ यह है जो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को फोकस होना. जैसे कि हम बीए कर लिए, क्यों किया, इंटरमीडिएट हो गया इसलिए बीए कर लिया, फिर एमए क्यों करें क्योंकि बीए हो गया एमए कर लिया. ऐसा ना होकर हम लोग ये जब कॉलेज में आ रहे हैं तो थोड़ा हम जैसे सर ने कहा वो डीप ब्रीथ ऐसे सोचे हम लोग कि हर रोज करने की बात नहीं, कोई प्रोग्राम कोई दिन अभी आज क्या करें, तो थोड़ा हम लोग मेंटली और फिजिकली तैयार करें इससे हम लोग अपने मकसद को पहचान में नहीं पाते, पहुंच भी नहीं. तो सबसे पहले है गोल सेटिंग. गोल सेटिंग वो बी ए बी काम बी एस सी कोई भी कोर्स हो, आप जय होते हैं तो उसमें पहले आप अपना मकसद तय कीजिए, वो बहुत जरूरी है. एक आपका इमीडिएट गोल होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म गोल. इमीडिएट गोल के डिग्री में मैं अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास करना, ये जब अपने आप से कहेंगे ये नियत की तरह. ऐसा नहीं कि आप लोग डिग्री में आएंगे पढ़ेंगे ही पास होंगे, वैसे भी पास हो जाएंगे, मगर वैसे भी पास होने में टॉप रैंक में पास होने में बहुत फर्क है.
इसके लिए आपको इरादा करना पड़ता है। ये इरादा जो है ना बहुत अहम है, ये अज़्म कि मैं ये डिग्री फर्स्ट क्लास में पास करूंगी या कॉलेज में मैं टॉप करूंगी, ये इरादा करने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, सब लोग कर सकते हैं। और आप समझेंगे कि एक बार इरादा करें, हम लोग पहले से यही सोचा कि मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं, पहले आप लोग लड़के लड़कियां ये इरादा तो करो कि हम ये जो कोर्स कर रहे हैं वी विल डू आवर बेस्ट एंड वी विल टॉप इन द ये अज़म के साथ अगर आप अपनी पढ़ाई अपना कोई भी काम का आगाज करेंगे तो फिर आप खुद ब खुद इसके लिए तैयारी भी करोगे, क्योंकि अपने आप से आपने एक वादा किया है, यू आर कमिटेड टू योर सेल्फ दैट यू विल एक्सेल, मुझे ये रैंक लाना है। ऐसे ही लोग कामयाब, ये नहीं कि आपको किसी ने कह दिया या आपने किसी ने कह दिया, अपने आप से आप कहिए। मैं कहता हूँ आज के दिन आप सब यही इरादा चाहिए कि मैं फर्स्ट क्लास में, ये नहीं कि सब लोग टॉप में आएंगे, तो आप कम से कम ये तो इरादा किए फिर कि मैं फर्स्ट क्लास में पास होऊंगा बस, तो तब आपका जब ऐसे मुसलमान इरादा बनेगा वैसे ही आपके इरादा ये आपकी नीयत आपको याद दिलाएगी कि आप इसके लिए क्या क्या करें। आप तालीम को आपके अच्छे काबिल असातिज़ा आपको दे ही रहे हैं, इसलिए एक चीज भी मैं आपको कहता हूँ, आप अपनी तरफ से भी मशक कीजिए। जैसे कि मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान और बैरत ममालिक में तालीम में बड़ा फर्क यह है, यहाँ पे टीचर ज्यादा मेहनत करते हैं, पूरा करके आपको देते हैं, आप एग्जाम में एग्जाम के वक्त आंसर क्वेश्चन भी बोल देते हैं ये पढ़ के आइए, तो आप वो पढ़ के आते हैं फर्स्ट क्लास में पास हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास बहुत कम नॉलेज रह जाता है, क्यों, क्योंकि आपने 3 साल पढ़ा मगर तैयारी की सिर्फ एग्जाम की, दिस इज नॉट द राइट वे। आपको क्या करना चाहिए, आपको सिलेबस है जैसे नीट वाले कर रहे हैं, जरूरी नहीं नीट, आप नीट वाले जितना मेहनत आप करिए आप बीए में गोल्ड मेडल बनेंगे, एमए करेंगे, पीएचडी करेंगे, आप टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाएंगे, फेलोशिप आएगा, और ये भी कोई डॉक्टर से कम नहीं है, आप किसी टीचर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाते हैं, उसकी तनख्वाह और कलेक्टर की तनख्वाह भी सेम है, स्टार्टिंग एक आईएएस की और असिस्टेंट प्रोफेसर की तनख्वाह सेम है। तो इसके लिए क्या है, आप जो भी कर रहे हैं उससे आप क्या करना है, आप उससे मोहब्बत करना है वो सब्जेक्ट से, ये नहीं कि कुछ नहीं मिला बीए मिल गया, मगर बीए से भी, मेरे एक साथी हैं जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, परसों मेरे घर आए थे, हैदराबाद के लोग जानते हैं हिस्ट्री करीम के नाम से फेमस है, वो हिस्ट्री से एमए किए पीएचडी किए, वो हिस्ट्री सिविल सर्विस के बच्चों को पढ़ाते हैं, मेरे ख्याल से इज द मोस्ट अर्निंग फैकल्टी इन इंडिया, वो करोड़ों के रुपए कमाते हैं, आपको ताज हो गए करोड़ों के रुपए पैदा टीच कर टीचिंग के जरिए से, कैसे वो सिविल सर्विस के ग्रुप 1 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिविल सर्विस के 100-100 बच्चों की बैच होती है, जब ग्रुप 1 का एग्जाम होता है तो हजारों के बच्चे, तो उनका आरसी रेटिंग स्कूल वाले क्या करते हैं, शादी खाने फंक्शन हॉल ले लेते हैं सुबह से शाम तक 8 बजे से 8 बजे को पढ़ाते हैं, तो और फीजर जानते हैं 1 करोड़ तक 1 लाख तक फीस है, तो सब में उनको उनका शेयर मिलता है, तो टीचिंग में तो कोई चीज जो आप कर रहे हैं छोटी नहीं है, जब तक उसे आप छोटी आपको धार्मिक समझते हैं मैं ये कर, तो पहले तो अपने इरादों को बुलंद कीजिए और हौसलों को बुलंद कीजिए, क्योंकि हम लोग हौसलों से उड़ते हैं परों से नहीं, देखिए हम लोग इंसान की उड़ रहे हैं प्लेन में, अगर हमें सोचते कि हम पर नहीं तो हम उड़ पाते नहीं, ये हौसला है कि इंसान को प्लेन बनाने पर भी उसको आदित कर दिया और हम भी उड़ रहे हैं, तो बहरहाल ये आप हौसले ऊंचे रखिए और मुजरूम इरादा कीजिए। अब मैं यहाँ आया हूँ तो एक दो बातें मैं आपके काम की भी तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हाउ टू सेट गोल मैं उसके बारे में बोलना चाहता, दूसरे बातें आपके तलबा ने भी बताया पढ़ना करना क्या है, आजकल नॉलेज तो इतनी आम है इतनी आसान हो गई है कि आपके सबके हाथों में अब पूरी दुनिया है, तो यह है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सब डिपेंड करता है आपने अपने आप से क्या वादा किया है, आपने क्या इरादा किया है, आपने इरादा किया है बीए में पास आऊंगी तो हर चीज आपको साथ देगी और पूरी दुनिया ख्वाहिश करेगी कि आप कहा पाए, ओके जैसे तो आप देखते हैं आपके पास जो मोबाइल भी है वो भी आपको मदद करेगा, वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको खराब कर रहा है, आपका वक्त खराब कर रहा है, क्योंकि आपने ऐसा कोई इरादा किया नहीं, आपने इरादा किया नहीं कि मुझे बनना है हिस्ट्री में पॉलिटिकल साइंस में बी कॉम में बीएससी में, आपको आज इरादा करना है आई हैव टू कम फर्स्ट, तो ये इरादा करिए तो ये सब चीजें जो आपके साथ हैं इर्द गिर्द हैं आपके टीचर भी आपको बहुत काम आएंगे, अभी टीचर से आप कुछ खास बात मांगते नहीं पूछते नहीं, जब आप खुद अपने आप से इरादा किए तो आप उनसे भी फायदा उठाओगे, जो चीजें हैं मैंने कहा
आपके पास मोबाइल है, आपके पास लाइब्रेरी है, एवरीथिंग विल हेल्प यू जब आप अपने आप को हेल्प करने का इरादा करते हैं। ये मैं समझता हूँ कैपेसिटी बिल्डिंग की सबसे पहली सीढ़ी है। अब सीढ़ी तो आप आगे तो मैं तो भी रास्ते बता देता हूँ, दो ही बातें हैं। एक मैं उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको, और सिविल सर्विस, जैसे सर ने कहा था कोई लड़की सिविल सर्विस की भी यहाँ तैयारी कर रही है, तो बहुत मैं आपके हौसलों को मैं और की सराहना करता हूँ। मैं तो खुश हुई कि और यहीं से बच्चे निकलते, क्योंकि अभी परसों ही सिविल सर्विस का रिजल्ट आया है, उसमें 1000 बच्चे सिविल सर्विसेज में मुंतखब हुए हैं, और ये बड़ा ही लंबा और कठिन सफ़र है, मगर इसमें भी जो मुजम्म इरादा करके कामयाब लोग मेहनत करते हैं उन लोग जरूर कामयाब होते हैं। और आप ये करिए, अगर सिविल सर्विस बनना है, जाना है, तो अभी जो रिजल्ट आए हैं उनके बैकग्राउंड पढ़िए, उनके टॉपर्स, हम तेलंगाना से एक लड़की आई अनन्या रेड्डी, शी गॉट 3rd रैंक, और मुस्लिम लड़के भी पूरे 50 बच्चे 1000 में से, क्योंकि हम ये समझते हैं मुसलमानों को क्या मिलता है। पहले तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इतने कम मुसलमान लोग सिविल सर्विस में अंदर जाते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ लोगों को आ लो, तो हम लोगों को पहले तो वहाँ तक जाने के लिए अपना इरादा करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। और ये फील्ड सबके लिए खुली हुई है, BA, BSc, BCom, और इसमें देखिए कि बैकग्राउंड बैक पॉलिटिकल साइंस के हैं, सोशोलॉजी के हैं, अक्सर तो लोग इंजीनियरिंग वगैरह से आ रहे हैं, मगर साइंसेस से या फिर लॉ से भी हैं। तो आप लोग सब लोग ये तेलुगु मीडियम के तो है नहीं बच्चे, मगर जो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वाला कूड़ा नहीं छपे मंडे ब्यूरो का निर्णय का केस को ली नैन IAS चेयाली अदी ये निर्णय होते, यू विल हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस दैट व्हाट टू हैव टू डू ऑलवेज शो द वे। सो सिविल सर्विसेज में आप जैसे जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का जो अर्सा है 1.5 साल का अर्सा है, ये 1.5 साल का एनी डिग्री की एलिजिबल फर्द है। तो डिग्री करने के बाद आप सब लोग, तो मैं नहीं कहूँगा जो अलग अलग BEd करेंगे MA करेंगे, डिग्री के बाद PG करके अगर सिविल सर्विस से काम लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं अगर साइंस की डिग्री करें तो गारंटी कर सकते हैं। तो इसमें आप 1 साल तो एक इसके लिए कोचिंग लेना, कोचिंग क्यों लेना है, क्योंकि पूरा BA वाला ही पूछा जा रहा है, उसका सिलेबस से अलग है, ये एक सब्जेक्ट है, आपने इसलिए ले लिया पॉलिटिकल हेल्थ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं हमारे मनु में मैं पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही छोड़ हूँ, ये सिविल सर्विस में मेरा सब्जेक्ट भी था, मैंने भी 2 बार मेंस लिखा। तो आप बोलेंगे सर आप मेंस लिखिए, आप सिविल सर्वेंट तो नहीं बने, मगर मुझे इतना नॉलेज मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज टीच भी करता हूँ तो मुझे उसका असर, यानी कि नॉलेज इज एनर्जी, इट कैनॉट बी वेस्टेड, ये जो नॉलेज आपने एक्सेस किया है, मेरे 4 साल काफी उम्मीद थे सिविल सर्विस करके कि एग्जाम में एक तो मैं रह के हमने तैयारी की, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किसी ने सिविल सर्विस नहीं किया, मगर मैं आपको बताऊँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, मेरे जो साथ और मेरे साथी जो मैंने बताया करीम, वो सिविल सर्वेंट्स को तैयार कर रहे हैं, वो कोचिंग दे रहे हैं, वहाँ पे कई बच्चे 100 के बच्चे काम लिखते हैं, 1000 के लिखते हैं, 100 के 5000 में कई बच्चे IAS बन रहे हैं, और मैंने कहा उनकी तनख्वाह लाखों में नहीं करोड़ों में चुने, क्योंकि ही विल गेट द शेयर इन व्हाट एवर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम्स टू दैट इंस्टीट्यूट दैट इज इन लैक। तो सब लोग इस तरह से जो भी उन्होंने नॉलेज हासिल किया, तो इसका मतलब यह है कि आप सिविल सर्विस के लिए बहुत अंतक मेहनत किया, तो ये नहीं है कि नॉलेज आपको जाया हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं आपको काम है। इसलिए कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, आपके फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो इस तरह का ये एनर्जी है नॉलेज, इसको हासिल कीजिए सिविल सर्विस को, जो सीरियस बच्चे हैं ट्राई कीजिए, इसके लिए कोचिंग आपके लिए भी देखिए बहुत ज़्यादा मौके हैं। ये तो कोचिंग के लिए आपको ये जो मैंने इंस्टीट्यूट बताया, आपके पास पैसे हैं तो 1-1.5 लाख रुपए देके 1.5 साल की कोचिंग में ज्वाइन हो जाइए, हैदराबाद में बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अगर नहीं है तो आपके पास गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है जो आप सेलेक्ट करके, खासकर माइनॉरिटीज के लिए, दूसरे OBCs के लिए, BCs के लिए भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, अलग अलग इंस्टीट्यूट, BC SC ST के लिए अम्बेडकर स्टडी सर्किल लो 100 टॉप स्टूडेंट सेलेक्ट चेसुकोनि वाळ्ळकु फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन, फ्री कोचिंग एंड बेस्ट कोचिंग हैदराबाद अंबेडकर स्टडी सर्किल
so is providing best coaching and they are giving good results also. They are getting good results also ST बच्चों के लिए. इस तरह सब communities के लिए है. वहाँ पे आप enter कीजिए, वहाँ पे आपको 7.5 साल के लिए coaching मिलेगी. उसमें वो civil services के पूरे subjects हैं, उसमें subjects उधर आप net पे देखिए. तो अगर आप interested हैं तो फिर आप अपने subject का सब्जेक्ट ले लीजिए. उसके अलावा general subject पे आजकल focus है कि पहले दो दो option हो जाता है, BA option रख दिया, फिर इसके option भी निकाल दिया. अगर ये सब अगर आप करना चाहें तो मैं कहता हूँ कि आपका इरादा होना चाहिए कि आप हाईएस्ट टॉप लेवल पर जाएं. आपकी इरादा करने से कोई नहीं होता और इसका नुकसान बिल्कुल नहीं है. ये है ना, क्या कहते हैं, इसका ये है कि आप उसको हासिल नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद का आपको मिलेगा नाराजगी. ना ये एक चीज है जो आप सबको है ना आज तय करना है, उसी हिसाब से आपकी तैयारी. दूसरी चीज मैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से भी आपको बता दूं. एक तो हमारी उर्दू यूनिवर्सिटी कहते ही आप हम लोग जनरल लोगों का एक तासर होता है कि भाई यहाँ उर्दू में उर्दू ही पढ़ाया जाता है या उर्दू एम नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि उर्दू मीडियम यूनिवर्सिटी जैसे तेलुगु यूनिवर्सिटी है, तेलुगु 43 तेलुगु यूनिवर्सिटी वहाँ पे तेलुगु में ही सब होता है. यहाँ उर्दू यूनिवर्सिटी में ये उर्दू मीडियम यूनिवर्सिटी हो रही है, ये नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है. यहाँ पे एम ए उर्दू तो है ही, एम ए उर्दू एम फिल पी एच डी है. इसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेजेस में अरबिक, फारसी, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश पे आप में से कोई इंग्लिश एम ए करना चाहता है तो आप उर्दू यूनिवर्सिटी पाए. आप बोलेंगे उर्दू यूनिवर्सिटी में इंग्लिश, बिल्कुल वहाँ पे एम ए इंग्लिश कर सकते हैं, एम फिल पी एच डी भी कर सकते हैं. और वहाँ से बच्चे नेट जी आर एफ करके अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटियों में वहाँ पे दाखिला ले रहे हैं, जॉब भी मिल रहे हैं. और आईटी सेक्टर में सिर्फ इंग्लिश के बच्चे नहीं, उर्दू अरबिक फारसी के खासकर बच्चे आजकल आप जानते हैं कि आप पूरी ग्लोबल विलेज की तरह वर्ल्ड हो जाने से आप यहाँ बैठकर फारसी में बात करके उर्दू से उनके ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं. किसके इराद के लोगों के इस तरह की सलाहियतें यहाँ आपको हैदराबाद में आपको मिल रहे हैं. और हैदराबाद यहाँ से सिर्फ है ना 100-200 किलोमीटर है, 110 किलोमीटर है, दो घंटे में हम यहाँ आ गए. जब भी इसलिए मैं कह रहा हूँ, अक्सर हम लोग माउंट नगर में गए थे एमबीएस कॉलेज में, सर हैदराबाद इतनी दूर नहीं भेजते हमारे घर वाले, हम बोला केरला से आ रहे हैं हमारे पास बच्चे, कश्मीर से आ रहे हैं हमारे पास बच्चे, नहीं आ रहे तो तेलंगाना से और नहीं आ रहे तो हैदराबाद से. तो आप लोगों को यहाँ एक वजह भी है कि आप लोग इसके बारे में मालूम नहीं है. मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ लैंग्वेजेस के कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे उसका सोशल साइंसेज में, पूरे 800 साइंस है. मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर हूँ वहाँ पे. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एम ए का खत्म हो गया, PhD वहाँ पे है. यहाँ पर भी काफ़ी बच्चे जॉब्स कर रहे हैं. कैम्ब्रिज पे भी हमारे स्टूडेंट है, अली साहब हैं, रियाज अली साहब, काफ़ी लोग है ना गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, यूनिवर्सिटीज में भी हैं. तो हायर एजुकेशन की तरफ आप आएंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आप एक सब्जेक्ट लेके सिविल सर्विस वगैरह की तैयारी भी कर सकते हैं. आप पीजी करेंगे तो सिविल सर्विस की बात है तो क्या बोलूँ, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में भी एक सिविल सर्विस कोचिंग सेंटर है. मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में सिविल सर्विस कोचिंग 2 साल से कोरोना के बाद बंद हो गया था, फिर से शुरू हुआ है. पहली बार ही शुरू होने के बाद उसकी 2 बच्चे प्रीलिम्स क्लियर किए हैं. तो अभी वो लोग मेंस भी लिखे हैं, इस बार उनको नहीं आया. मगर मैंने जैसे बताया कि लंबा प्रोसेस है, आप एक साथ तैयारी करते हैं, 2 दिन बाद आपको जाके उसका रिजल्ट आता है. तो वो भी हेल्प होता है. वो ऐसा नहीं है कि ये जो सिविल सर्विस अकेडमी है सिर्फ उर्दू मीडियम के लिए नहीं है. एनी स्टूडेंट तेलुगु इंग्लिश मीडियम कौन सा भी हो, नॉट नेसेसरी बट माइनॉरिटीज एंड वुमेन एंड अगेन फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज नॉट माइनॉरिटी वुमेन आर कैन अप्लाई फॉर दिस सिविल सर्विस अकेडमी. इसी तरह से सोशल साइंस में हमारे पास हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा आप किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं. साइंसेज भी हैं, साइंसेज में भी बी कॉम बी एस सी और बी ए भी हम में है. वहाँ पे 4 ईयर का NET के तहत शुरू हुआ है. तो वहाँ पे तो सर डिग्री के बच्चे हैं. तो PG में वहाँ पे MSc भी है. MSc मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब मेन जो फिजिक्स है. और एक खास कर BSc वोकेशनल कोर्स भी वहाँ शुरू हुआ है. तो BSc और MSc भी ये खास जॉब टॉप जॉब सबसे ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं. 10% वहाँ पे जॉब मिल रहा है. कम लोगों की ये बात मानने में जो यूनिवर्सिटी है तो दे नेवर थिंक, उनकी सोच भी नहीं जाती कि वहाँ पे BSc वोकेशनल, BSc होगा, MSc वोकेशनल होगा, यानी कि MLT, MAG. तो
तो ये कोर्सेज जॉब ओरिएंटेड हैं। इसके लिए आपको है ना बीएससी अगर साइंस से कर रहे हैं, एमएससी के लिए वहाँ पे वोकेशनल के लिए आप आ सकते हैं। उसके अलावा मनु यूनिवर्सिटी में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मैंने समझ पाई देता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी फिर उर्दू से कर रही है, बिकॉज वी नो आवर लिमिटेशन, सो वी हैव प्रोवाइडेड बेस्ट, वी हैव टेकन द प्रिकॉशन। ठीक है, हम लोग समझते हैं उर्दू का ज्यादा मार्केट है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं एमए में आप उर्दू पढ़ाते हैं। कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी में चाहिए आप एमए पॉलिटिकल साइंस इंस्टीट्यूट से करिए, यू वोंट बी टॉकिंग इंग्लिश देयर, बट हियर हम लोग यहाँ पे एमए इंग्लिश में भी आप एमए आप उर्दू करिए या एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करिए, आपको दो वहाँ पे इंग्लिश के कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ना पढ़ाएंगे, तो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग वैसे हो रही है। यानी आप इंग्लिश उर्दू से ही पूरा पढ़ रहे हैं, मगर आप उसको एक्सप्रेस करने के लिए जब बाहर जाएंगे इंग्लिश के लेवल पर, उसके लिए भी वहाँ पे तैयारी हो रही है। और कम और दूसरी चीज़ है आपकी सलाहियत को प्रमोट करने के लिए एफ एम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल बहुत अहम है। ये तो दो चीज़ें हैं जो आपको आपको बोलना आना चाहिए या रेडियो टाइप कर आना चाहिए। बोलना आया तो वो एक कैपेसिटी होगी, नहीं भी आया तो आपको आजकल क्या है आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब आने में कर लेते हैं, कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है पता नहीं, थिंग्स आर बी स्टार्टेड और सो दिस इज बिकॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये दो चीज़ें आपको हासिल हो जाएंगी, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स जो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग ओके उसका इंतजाम में है, हर कोर्स में है, एम ए में है, एम एस सी में है, वहाँ पे आप लोगों को एक कोर्स वो भी होता है। उसके अलावा वहाँ पे और दीगर चीज़ें भी हैं, आप वहाँ पे कभी मौका देते आइए, उससे पहले एम बी ए से और साथ अपने बच्चों को लेकर आए थे, जितने दिन भी दूसरे बच्चे आते रहते हैं, वी विल बी वेरी हैप्पी टू वेलकम यू, और वहाँ पे मजीद बातें आपको मालूम होंगी। आपको सुनना है तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों ने मुझे इतनी शुक्र से आपने मुझे सुना इस समारोह का, और उस मौका देने के लिए मैं डॉक्टर साहब का और डॉक्टर बहुत आपके साथ ही है सुन रहे थे कि यूपीएससी तैयारी किस तरह से करना है, ऐसा बार बार करीम साहब का जिक्र कर रहे थे, हिस्ट्री के है उनकी एक बुक भी है यूपीएससी तैयारी के लिए, कोठी में मिल जाएगी आपके उनके शेयर करना चाहता हूँ। सफ़े फिकर को तहरीर अता करता है, सफ़े फिकर को तहरीर अता करता है, लफ्ज हर लफ्ज को तफसीर अता करता है। सर आइए आप प्रिंसिपल मोहतरम डॉक्टर असलम फारूखी साहब, मानू से दो मेहमान तशरीफ आए, प्रोफेसर सिद्दीकी महमूद साहब ओएसडी और प्रोफेसर नजीबुल्लाह साहब, और मेरे अजीज दोस्त डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब जिनके इसरार पर और दावत पर मैं यहाँ तशरीफ आया, और ये पहली मरतबा नहीं है, मैं ये दूसरी या तीसरी मरतबा इस कॉलेज में आया हूँ, इससे पहले भी आप सुनने चले आ रहे हैं, जिसको जाना है वो आसानी से जा सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं। आज के सिंपोजियम का उन्वान है तलबा में सलाहियतों का फरोग असरी तकाजे। मैं जो बात करूंगा वो किताबों की बात नहीं करूंगा, मैं अपने तजुर्बे की बात करूंगा। असरी तकाजे हो या माजी में जो है सो जो भी
माजी के दौर में जो तकाजे रहे हैं, दो बुनियादी तकाजे, दो बुनियादी चैलेंजेस हैं। मैं एक डॉक्टर हूं तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले सेहत। अगर आपकी सेहत अच्छी हो तो कोई भी चैलेंज आप कबूल करेंगे। अगर सेहत ठीक ना हो तो तमाम आपकी सलाहियतें सेहत बेहतर करने में चली जाएंगी। तो अपनी सेहत पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। और दूसरी जो चीज अहम है वो ज़बानदानी, यानी लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज अच्छी ना हो आपकी तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, कोई चैलेंज कबूल नहीं कर पाएंगे। तो मैं इन दो बातों पे आपके से बात करूंगा। तो सबसे पहले सलाह अपने सेहत कायम रखने के लिए, अगर सेहत अच्छी होगी तो आपकी जिस्मानी और जहनी सलाहियतें उभर कर आएंगी। सेहत अच्छी रखने के लिए तलबा से मैं पांच चीजों के हवाले से बात करूंगा। सबसे पहले जैसा सलम साहब ने कहा कि नाश्ता नागा ना करें। नाश्ता बहुत अहम खाना है, इसलिए कि रात तमाम आपका 10 से 12 घंटे का फाका होता है। उसके बाद जो खाना खाते हैं आप सुबह में, और फिर नाश्ते के बाद आप काम पे जाते हैं, तो नाश्ता बहुत इम्पोर्टेंट मील होता है। लोग कहते हैं कि सुबह का नाश्ता बादशाह की तरह करना चाहिए, दोपहर का खाना मसरूफ आदमी की तरह, और रात का खाना किसी भिखारी की तरह, जो मांग के जो भी मिला खा लेता है। लेकिन हम करते ही हैं आज के दौर में, रात तमाम खाते बैठ रहे हैं सुबह बगैर नाश्ते के दफ्तर। नाश्ता अगर कम करेंगे आप तो आपकी सलाहियतें मुतासिर होंगी। और हमारे जमाने में टीचर की डांट पड़ने से भी हम बेहोश हो जाते, चक्कर ऐसी आती थी कि खाना कम है। और नाश्ता अगर ज्यादा कर लेंगे आप तो फिर बातें समझ में नहीं आएंगी, सो जाएंगे। खासकर जो लंबा लेक्चर करने वाला आएगा हिस्ट्री वाला, तो जरूरी है सो। तो इसलिए नाश्ता जरूरी है। अब आप लोगों से हाथ उठा के बताइए कितने लोगों ने नाश्ता किया। माशाल्लाह काफी लोग हैं, आधे 50% लग रहे हैं, 50% ने नाश्ता नहीं किया है। खैर, ये तो नाश्ते की बात हो गई। और नाश्ता कैसा होना चाहिए, उसमें तमाम जो चीजें होती है कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह रहना चाहिए, उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, फिर कभी किसी और जब लेक्चर होगा उसमें ये करेंगे। और एक बात कही, एक तहकीक में देखा गया है कि जो नाश्ता अच्छा करके आते हैं उनकी जहनी सलाहियतें और उन बच्चों की कारकर्दगी क्लास में बहुत अच्छी रही है, बनिस्बत जो नाश्ता करके नहीं आते थे वो बच्चों। ये बात साबित हो चुकी है। अब उसके बाद दूसरा जो अहम, जो मैंने पहला तो बोल दिया नाश्ता ये नहीं करना, और दूसरा ये है कि सेहत बख्श ग़िज़ा, हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड का हासिल हुसूल। आप ये बताइए मुझे, आप हेल्दी डाइट किसे समझते हैं? लोग बहुत सारे हैं, खाते हैं तीन मरतबा, लेकिन उनको बुनियादी बातें नहीं मालूम। और हर कोई ये प्रिटेंड करता है कि वो एक्सपर्ट है खाने का, इसलिए कि पैदा होने जब से तीन मर्तबा चार मर्तबा खाता रहा है, वो समझता है कि वो एक्सपर्ट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। न्यूट्रिशन और फूड इंडस्ट्री बहुत फैल गई है, आप क्या खा रहे हैं आपको खुद अंदाजा नहीं है। यहाँ कई बच्चियां और मेरी बहनें इस क्लास की बैठी हुई हैं, वो जानती हैं कि बाजी का जो किचन होता था बहुत सिंपल सा होता था, नमक मिर्ची हल्दी अदरक लहसुन तेल खत्म। आज का देखेंगे आप तो ये लोग खुद परेशान है, नमक के खुद चार पांच अकसाम है, लेमन राइस, चाइना राइस, लेमन साल्ट, चाइना साल्ट, ये साल्ट, वो साल्ट, फिर बेकिंग पाउडर, ये वो, और फिर उसके बाद सॉसेस का तो पूछिए मत, कितने सॉसेस हैं ये खुद नहीं मालूम। चिल्ली सॉस आपके घर के लिए, अपने सोया सॉस, ये सॉस वो सॉस,
देखे तो पता ही नहीं चलता दादी माँ का किचन वहां का किचन होता था, आज पोतरी का किचन लगता है कि वो केमिस्ट की दुकान क्या पता पका रही है, उसको कुछ पता नहीं है। तो ऐसे उसमें सेहत कायम रखना, व्हाट इज अ हेल्दी डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम कई एक लोग बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि 100 के करीब हाजिरी होगी, लेकिन यहाँ फिट एंड क्या बोलना चाहिए स्लिम वो एक शख्स नजर आ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या खाना कितना खाना। हमारे जैसे दौर के लोग नहीं है आप लोग, हम लोग राशन कार्ड की पैदावार, राशन कार्ड की पैदावार है, जहाँ पे जैसे राशन कार्ड पे एक किलो शक्कर मिलती है पूरे खानदान, बच्चों को चाय इसलिए नहीं देते कि उसमें शक्कर लगती थी, दूध भी नहीं मिलता था। आप आजकल तो जैसे क्रेडिट कार्ड की औलाद बस बैठे बैठे क्रेडिट कार्ड पे जैसे वो कर देते हैं, पिज्जा आ जा रहा है, फिर उसके बाद पिज्जा से दे दिए ये उतना अच्छा नहीं रहा है, फिर कुछ और मांगा दो, बिरयानी तो पूछिए मत, लाखों के प्लेट आसान कर लगाते नहीं। तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमें कितनी गिजा आनी चाहिए। आप बताइए आप लोग गिजा का हिसाब कैसे रखते हैं, गिजा का हिसाब कैसे रखा जाता है, हमको कितना खाना चाहिए कैसे रखा जाता है। हम कुछ बच्चों से पूछते हैं, बोलो भाई साहब हम अपनी गिजा का हिसाब कैसे रखते हैं। गिजा जो कैलकुलेट की जाती है, गिजा का जो हिसाब रखा जाता है उसका यूनिट है कैलोरी। हमको दिन तमाम में कितनी एनर्जी चाहिए, अभी साहब ने बताया कि एनर्जी एनर्जी एनर्जी, तो एनर्जी जो मिलती है हमको वो गिजा से मिलती है, वो गिजा का हिसाब एनर्जी में रखा जाता है। कितनी एनर्जी हमको पता ही नहीं है किसमें कितनी एनर्जी मिल रही है, ये खाने में क्या मिल रहा है, बस खाली राल थपकी खाली। ये बात याद रखिए, जबान जो है सिर्फ चार या छह इंच का टुकड़ा है, उसके बाद कोई टेस्ट नहीं है। कभी आपको खसका लगा होगा, अंदर से कोई चीज आई होगी तभी टेस्ट समझ में आया, अंदर तो कुछ समझ में ही नहीं आया, अंदर जाके सब एक हो जाते हैं। तो ये टेस्ट बहुत आपको तबाह करता है, टेस्ट मेक्स वेस्ट, तो इसका ख्याल रखिए। तो ये जो गिजा खानी है आपको नाप तोल के खानी है, और जरूरी नहीं कि हर वक्त आप जो है सो वजन तोल लेके रहे, अपने आप को तोल ले, अपने आप को तोल ले, वेट एंड हाइट का अंदाजा कर ले, वेट एंड हाइट एंड वेस्ट का सर्कमफेरेंस, कमर का हिस्सा ऊपर तो अब बीच में आदमी मोटा होता है, मिडिल एज के बाद, मिडिल एज क्यों कहते हैं इसलिए कि मिडिल में से मोटा होने लगता है, विश्वास से नहीं कहते कि वो, तो मिडिल एज में ये अपने आप को अभी से आप लोग तोलने की नापने की आदत डाली, तो आप अंदाजा करेंगे। एक आसान सा फॉर्मूला है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, उससे पता चल जाता है 20-25 जो होगा वो ना होगा, और अपने वेस्ट सर्कमफेरेंस, अगर 37 इंचेस से मत का वेस्ट बढ़ रहा है, कमर अक्सर की 40 प्लस होती है, तो वो जो है सो नुकसानदेह होता है, और जो है सो खवातीन के लिए 31-32 इंचेस जो है सो वो कमर होती है। और एक चीज याद रखिए, तरकारी और फलों का ज्यादा इस्तेमाल, आप क्या जो जो आपकी प्लेट बड़ी कलरफुल होनी चाहिए, बिल्कुल एक जैसी नहीं होनी चाहिए, खाली मटन या दूध या ये होना चाहिए, उसमें हम आप के जितने भी होली के रंग होते हैं पूरे रंगों की प्लेट होनी चाहिए, उसमें मुख्तलिफ फल फलारी जितना ये कर सकते हैं। ये एक आसान सा तरीका ये है, प्लेट को 9 इंच की प्लेट, कहीं 12 इंच की लेंगे आप लोग या 15 इंच की, बड़े बड़े प्लेट खानियां नहीं, 9 इंच की प्लेट, उसके आगे प्लेट में तरकारी भाजी वगैरह रखिए, और पाव में जो है सो कार्बोहाइड्रेट और पाव में प्रोटीन, ये हो गया। अब इसके बाद हम हाइड्रेशन, पानी का इस्तेमाल, ये बहुत जरूरी है, आपको आपकी और हमारी जो बॉडी है 50-70% तक पानी है, और पूरी ये यूनिवर्स में पानी जो है सो अबंडेंट है, तो पानी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, बिलखुसूस हम जो ट्रॉपिकल कंट्रीज में रहते हैं इनके लिए पानी का इस्तेमाल
बहुत जरूरी होता है और हमेशा वाटर बॉटल रख के पानी पीते रहिए और 6 से 8 गिलास यानी 2 लीटर तक पानी आपको जो है सो लेना चाहिए। और खवातीन के लिए पानी के साथ साथ दूध का खास ख्याल रखते हैं, दूध से कैल्शियम मिलता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। दूध आप पिएंगे तो आपको अब पता नहीं चलेगा, बाद में जब चाइल्ड एज हमारा चाइल्ड बर्थ हमारा होगा तब आपको खासा काम आएगा, तो जो है सो उसका भी आप ख्याल रखिए पानी। अब इसके बाद हमारी जो बॉडी साख्त है, हमारा जो बॉडी का जो बनावा है, कंस्ट्रक्शन है हमारी बॉडी, आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में कितने हड्डियां, 206 हड्डियां। हमारी बॉडी को जामिल वो साकिब किसी झाड़ की तरह रहने के लिए नहीं बनाई गई, हमारी बॉडी को किसी पहाड़ पे रहने के लिए नहीं बनाया गया। हमारी बॉडी की जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो हमें मोबाइल रखने के लिए हुई है, इसके लिए हमारे बॉडी में 206 हड्डियां और 350 जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स यानी जहां दो बोन मिलते हैं, पास बोन्स बिल्कुल स्टैटिक होते हैं, पास ये हर हमारे उंगलियां कितनी जो हरकत करती हैं, छोटी बड़ी, किसी को ये करने, किसी को विक्ट्री बताने, किसी को दो बताने, 5 हाथ हिलाने करने, कितने जॉइंट्स हरकत में आते हैं। तो बॉडी मोबाइल रखने के लिए बनाई गई है और हमारी बॉडी में इनको नचाने के लिए, हड्डियों को नचाने के लिए 600 से ज्यादा मसल्स। तो वो भी पकड़ना भी तो जॉइंट से काम आते हैं हड्डियां वगैरह। तो आपको अपने अपने आप को यानी मुतहर्रिक रखना चाहिए, मोबाइल रखना चाहिए, मोबाइल तो रखिए लेकिन साथ साथ खुद भी मोबाइल रहिए, इधर जाइए उधर जाइए, जब भी मौका मिला चलिए फिरिए, एक जगह मत बैठिए बस देख लेते हुए। तो मोबाइल रहना जरूरी है। और आखिर में जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है रफे हाजत की तरबियत। रफे हाजत की तरबियत, पेशाब और पैखाने का सही एक्सक्रीशन, क्योंकि सब खा रहे हैं आप ले रहे हैं लेकिन उनको सही तरीके से बहाना भी है, वरना वो शेर तो वो सुना होगा कि शिकारी साहब को आईमा पे शेर नजर आया लेकिन उनको कुछ और जरूरत पेश आ तो वहां चले आना पड़ा। तो इसलिए ये बॉडी के जो एक्सक्रीटरी हैबिट्स हैं, पेशाब करना हो, इस पे भी खासी तवज्जो देना चाहिए। और बच्चियों को खासकर, आप लोग ये सोच के पानी कम पीती है कि नहीं भी वहाँ टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, ये सोच के जैसे रोक लेती है, ये चीजें कई अमराज का वो बनती है। तो इसलिए इन चीजों पे बे इंतहा तवज्जो देने की जरूरत है। अगर आप सेहतमंद रहेंगे तभी ये चैलेंजेस कबूल कर सकते, वरना कॉन्फिडेंट ये जो बिल्डिंग वगैरह सब धरी की धरी रह जाएगी, आप सारी अपनी सेहत के डॉक्टरों के चक्कर, दवाखानों के चक्कर लगाते रह जाएंगे, ये एक हो गई बात। दूसरी अहम बात जो मैं कहना चाह रहा था, जबान दानी, जबान पे परफेक्शन। जबान बोलना तो हर कोई बोलता है, अगर जानवरों को ट्रेन करेंगे तो तोता भी बोलने लगता है, डॉग्स वगैरह भी मुख्तलिफ तरीके से आवाजें निकालने लगती है, ट्रेनिंग की बात। इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि अपनी मदर टंग से मोहब्बत करना, मदर टंग, मादरी जबान, मदर टंग को पहली जबान भी कहा जाता है, इसलिए कि इंसान को जबान सुनता है। और मदर टंग के बारे में या फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में ये याद रखिए, ये आपके हाथ में नहीं है इसका चॉइस करना, ये ऊपर वाले के हाथ में है जो आपको दे देता है। आप किसी उर्दू वाले के घर पैदा हुए, आपकी मादरी जबान उर्दू, कोई तेलुगु वाले के घर पैदा हुआ उसकी मादरी जबान तेलुगु, कोई जो है सो कन्नड़ के उसमें हुआ तो उसकी मादरी जबान कन्नड़। अभी एक अंग्रेजी जबान बीच में से आ गई, किलर लैंग्वेज है, दूसरे सब जबानों को खाते हुए आ रही है, ये बहुत ही खराब जो है सो ये ब्रिटिशर्स का जो सारी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, अंग्रेजी के जरिए भी हुकूमत ही कर रहे हैं। करिए आप अंग्रेजी में महारत हासिल कीजिए, लेकिन याद रखिए आप अंग्रेजी में उस वक्त तक महारत नहीं हासिल कर सकते जब तक आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग में माहिर ना। ये कह रहा हूँ, किसी लिंग्विस्टिक का बयान था, मैंने पढ़ा था, वो कहता है कि मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज सीखना ऐसे है
जैसे कि आप स्विमिंग सीखना है, जब आपको स्विमिंग आ गई उसके बाद आपको किसी भी पानी में फेंका जाए, नदी के पानी में, अपने वेल के पानी में, समंदर के पानी में, कहीं भी तीर क्या निकल जाएंगे, तो कोई भी दूसरी जबान आप अच्छा सीखेंगे। आप याद रखिए, अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज या अपनी मदर टंग अच्छी नहीं बोलते तो अंग्रेजी भी अच्छी नहीं बोल सकते, उसमें भी करते रहेंगे। आपने साथ बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोली, अगर मैं देखूँ तो आप तेलुगु भी अच्छी बोलते हैं, क्योंकि जो जिसको अच्छा पसंद आता है ना, वो हर उसमें वो अच्छी ही चीजें पसंद करेगा, अच्छी ही जबान बोल सकते पसंद। तो इसलिए मदर टंग को अहमियत दीजिए, ये मत समझिए कि ये कम है, ये ज्यादा है, उर्दू यूनिवर्सिटी में खाली उर्दू पढ़ाई जाती है, उर्दू में क्या रखा गया है, तेलुगु में क्या रखा गया है, ये बिल्कुल मत सोचिए। ये सब जबानें अपनी अपनी जगह अहमियत रखती है। क्या मुझे हटने के लिए? अच्छा, ये तो बात, तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है चैलेंजेस को ये करने के लिए, पहले तो शायद और दूसरी जबान जानना। और दो चीजें मैं कहना चाहूंगा, यू शुड ऑलवेज हैव एन अल्टरनेटिव, हमेशा से अल्टरनेटिव। ये नहीं कि मुझे खाली आईएएस बनना है, खाली सिविल सर्विसेज में जाना है, ये नहीं कि मुझे सिर्फ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। यू शुड ऑलवेज हैव एन अल्टरनेटिव, अगर ये नहीं मिला तो मुझे क्या, और जो ऐसा हॉबी ये रखना चाहिए ताकि अगर इसमें नहीं मिला तो मायूस होके फ्रस्ट्रेशन में आके डिप्रेशन में जाने करने के बजाय। कई लोगों को मैं देखता हूँ, बच्चे क्या हुआ, चार साल से डॉक्टरी का इम्तिहान लेता लिया, आराम बेचारा बैठा हुआ है कमरे में, उसके साथ के डॉक्टर बन के निकल गए, जो है हो गए। तो अल्टरनेट रखिए, सिर्फ डॉक्टर ही वो एक मेराज नहीं है, वो एक चीज। और एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, कमाने के लिए अपनी सलाहियतों को फॉलो मत कीजिए। वो कमाएंगे आईएएस बनेंगे तो लाखों मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये स्केल होगा, वो स्केल होगा, ये सिर्फ सैलरीड लोग बात करते हैं। जिंदगी में कमाना बहुत आसान है, और कमाना जरूरी नहीं है सिर्फ इंसान ही कमा के खाता है। आपने कभी देखा भैंस को कमा के खाते हुए? घर के बाहर जो कुत्ता फिरता है वो कमा के खाता है, मिल जाता है। हम अशरफुल मखलूकात हैं, वी आर द चूज़न, यानी ब्रीड इन द वर्ल्ड, तो हम जिंदगी को एंजॉय करेंगे। हम जो पढ़ेंगे, हम जो चैलेंजेस फेस करेंगे, हम उसमें पढ़ेंगे। अगर जूलॉजी का एक्सपर्ट है तो देखेगा, एक्सपर्ट बनेगा, क्या क्या चीजें हैं इसमें। अगर कोई अदब का तालिब इल्म है तो नई नई चीजें करेगा, नए नए शेर लिख के जैसे घुमाएगा, उसमें एंजॉय करेगा। ये नहीं कि मुझे जैसे मैं ये करूंगा तो मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा मैं, मुझे मेरी तनख्वाह जो इससे शुरू होगी, ये चीजों को छोड़ दिया है। कमाना जरूरी है लेकिन सब कुछ नहीं, पढ़ने के लिए पढ़िए, चैलेंजेस ज़हनी सलाहियतों को उभारने के लिए, ये पढ़ने के लिए रैट रेस ये सब की जो वो चीज, ये जो चीजें मैंने कही है अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कही है, और बिल्कुल या आपको कुछ अटपटी सी भी लगी होगी मेरी बातें, तो अगर कुछ ये हुआ है तो सॉरी फॉर दैट, उसी को ये किया है। तो मैं अपनी किताबें लाया था, वो बाद में या बच्चों को बता के बाद में शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू फॉर पेशेंस। दो पावर पर अहम बात बताई है, एक सहज और एक जबान। ये दोनों चीजें इंसान के पास रहे तो मैं समझता हूँ कि जमाने का कामयाब इंसान है वो। कैलोरीज की बात किए हैं, कैलोरीज जो है आपके वेट के हिसाब से कैलोरीज होना चाहिए, किसी का 80 किलो है तो 80% कैलोरी चाहिए, 70 है तो 70। और पानी का जरूरत क्या है सर? पानी भी जो है किलो के हिसाब से 1 किलो में 30 ml पीना है, ज्यादा अगर पीजिए तो फिर दिमाग में चढ़ जाएगा। आपके वेट के हिसाब से पानी पीना है, कहीं 5 लीटर 6 लीटर 7 लीटर होते हैं, सब बेहोश बनाने पाते हैं। आपका वेट इतना है 1 किलो को 30 ml, अब 70 किलो के हिसाब से 2 लीटर पानी पीना पड़ जाएगी 70 किलो वाले, इस तरह से वेट लगा है पानी का ही है सर। आगे मैं तकरीर के लिए मौका, ये आगे ब्राउन में प्रोफेसर महमूद साहब को, महमूद सदीक साहब को, वो अपने ख्याल का इजहार करें, उनके लिए एक शेर के साथ मैं उनका सवाल करता हूँ। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। आइए
गाइस पर मौजूद इस प्रोग्राम के सदर डॉक्टर असलम हाफिज साहब, मेरे साहिबा डॉक्टर आबेद मोहम्मद साहब, डॉक्टर नजीबुल्ला साहब, इस प्रोग्राम के रूहरवान डॉक्टर मोहम्मद मौस साहब, इस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद के सभी रेस्पेक्टेबल टीचर्स और माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे अंदाजा है कि सुबह से मुख्तलिफ लेक्चर सुनने के बाद यू वॉन्ट टू हैव अ चेंज, डू यू वॉन्ट टू हैव अ चेंज? ओके, सो लेट अस हैव एन एक्टिविटी। हम एक एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे, इट्स अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज डू पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी। व्हाट्स एक्टिविटी? सरगर्मी क्या है? सरगर्मी यह है कि मैं जो रिक्वेस्ट आपसे करूंगा आपको वो करना है। Okay, whatever request I'll make, please do follow my verbal requests, right? Please do follow my verbal requests. Please show me your index finger. All of you, please show me your index finger. Take it to your head, to your forehead, to your nose, to your cheek, to your chin, to your upper lip, to your lower lip, to the cheek, to the forehead, to the chin. गाल से मोहब्बत क्यों है आपको इतनी? मैंने कहा ठुड्डी पे ले जाइए, आप गाल पे क्यों लेकर के बताइए? Right. आप लोगों ने, हालांकि मैंने कहा था कि आपसे मेरी ओरल रिक्वेस्ट को फॉलो करना है, लेकिन आप लोग मेरी तरफ देख रहे थे, मुझे फॉलो कर रहे थे, और मैंने जो कि अपनी फिंगर को चीक पर लेकर गया था, तो आप लोगों ने भी गलती से चीक पर लेकर चले और पकड़े गए आप, ठीक है? रंगे हाथों पकड़े जाना इसी को बोलते हैं, यू आर कॉट रेड हैंडेड एनीवे। लेकिन आपने एक बात साबित की, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप बहुत अच्छे फॉलोअर्स, यू आर वेरी गुड फॉलोअर्स, प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि लेक्चर्स बहुत सारे हो गए हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक कहानी आपको सुनाऊं। यू वांट टू लिसन टू द स्टोरी? कथा सुनना चाहेंगे आप लोग? ओके, तो एक कहानी है, किस्सा है, कथा है, स्टोरी है, आप सुन लीजिए। बहुत पहले की बात है कि शहर में एक ऐसी न्यूज फैल गई कि नियर टू द सिटी देयर वाज अ जंगल एंड देयर वाज अ केव एंड देयर अपीयर्ड अ वेरी वेरी वाइस मैन, एक बहुत ज़हीन आदमी वहां पर आया है, ऐसी इत्तला फैल गई वहां। ही वाज वेरी वेरी क्लेवर, चतुर, राइट? So, people used to go to him and ask their difficulties, ask their questions, and that wise man, dana aadmi, danishmand aadmi, samajhdar aadmi, wo sab ke sawalat ke itnaan waqt jawab deta tha. Ab ye baat badon se hote hue bachon ko bhi maloom ho gayi. Zahirabad degree college ke honhar bacche the, wo they were very clever. Unhone socha ke हमने भी जाना चाहिए, उस आदमी से गाइडेंस लेना चाहिए, और सोचा कि कोई ऐसा सवाल करना चाहिए, वी शुड आस्क सच ए वंडरफुल ब्रिलियंट थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन सो दैट दैट वाइज मैन शुड नॉट बी एबल टू आंसर आवर क्वेश्चन। उसको हमारे सवाल का जवाब देना ही ना आए, ऐसा उन बच्चों ने सोचा, ठीक है? जाहिर है कि जहीराबाद डिग्री कॉलेज के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, अब क्या सवाल करेंगे? तो किसी ने कोई सवाल बताया, किसी ने दूसरा सवाल बताया, किसी ने तीसरा बताया, बट दे ऑल वर नॉट सेटिस्फाइड। सो लास्टली
वन वेरी नॉटी गर्ल, बहुत शरीर, लड़कियां शरीर होती हैं क्या जी? होती है ना? हाँ देखियो शरीर लड़के कह रही थे तो एक शरीर लड़की ने कहा कि मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। सब बोले क्या क्या है? उसने कहा नहीं ऐसे नहीं बोल रहे थी, सब करीब आ जाओ मेरे। सो दे पुट देयर हेड्स टुगेदर, सबके ऐसे करीब कर दिया उसने, और उसने इशारों इशारों में कुछ बताया। उसने क्या बताया अभी बता दो आपको? नहीं अभी बताया तो मजा नहीं आया। बच्चों ने बोले ओ दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन, वी आर श्योर दैट हाउएवर ही माइट बी वाइस मैन ही वोंट बी एबल टू रिप्लाई आवर क्वेश्चन। वो कितना ही जहीन आदमी होने दीजिए, फतीन आदमी होने, दानिश्वर, दानिशमंद, दाना, चतुर, कुछ भी कह लीजिए, ही वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। राइट, वी शुड गो एंड वी शुड आस्क दिस क्वेश्चन। और सबने उस लड़के से कहा तुम ही आ गया हो, तुम ही क्वेश्चन पूछ। उसने कहा ठीक है। अब वहां पर गए, दे वर हैविंग वेरी इनोसेंट फेसेस, बहुत मासूम चेहरे लेकर, बहुत अदब के साथ हाथ बांधकर ऐसे, राइट, दे विश्ड हिम, उन्होंने सलाम किया, नमस्कार कहा, नमस्कारम कहा, जो भी कहते हैं वो कहा, और कहा सर वी आर सो हैप्पी टू लिसन that you have been replying wonderful answers to the questions asked by our elders. हमारे जो बड़े हैं उनके सवाल के आप बहुत अच्छे जवाब दिए आपने, ऐसा हमको मालूम हुआ, बहुत खुशी, हमारा दिल बाग बाग हो गया ये जानकर। सर हमें छोटा सा क्वेश्चन हम भी करना चाहते हैं अगर आपकी इजाजत हो। We want also want to ask a very small question sir. You are a great person. It's very easy for you. You are sure that you can apply, you can reply this question. Do you give permission to ask the question? तो वो दानिशमंद आदमी, समझदार आदमी, clever man, right, wise man, उसने कहा कि yes, I shall try my level best. मैं अपनी सी कोशिश करूँगा आपका जवाब देने की। Then that girl came forward. वो आगे आई, right? Then she showed her fist, अपनी मुट्ठी बताई उसको। It was closed. Something was there inside, right? Something was there inside. What was there? It was not disclosed. अब उसने कहा कि सर मेरे मुट्ठी में चिड़िया का छोटा सा मासूम सा बच्चा है। There is an innocent child of a spare bird, right? आप जानते हैं कि बहुत डेलिकेट होता है, बहुत नाजुक होता है, ठीक? तो the wise man smiled. Okay, what's the question? What question do you want to ask? The girl innocently said, "Sir, I would like to know whether the sparrow child in my hand is alive or dead." मेरे हाथ में जो चुड़िया का बच्चा है, वो जिंदा है या मुर्दा है? अब समझा गया आइडिया क्या था? मान लीजिए कि वो चतुर आदमी, दानिशमंद आदमी, जहीन आदमी कहता है कि मुर्दा है, तो क्या करेगी? वो ऐसे ही खोल देगी और वो तो जिंदा रहेगा। और उसने कहा कि जिंदा है, तो क्या कहेगा, क्या करेगी वो लड़की? थोड़ा सा दबा देगी, उस दबाने से मर जाएगा और कहीं देखिए तो मुर्दा है। दैट वॉज द टेक्निक, राइट, दैट वॉज द ट्रिक। तो बहुत मासूमियत के साथ उसने कहा सर आपको सिर्फ इतना बताना है कि वो चिड़िया का बच्चा जो मेरी मुट्ठी में है वो जिंदा है या मुर्दा है। अब दाना आदमी, दानिशमंद आदमी, वाइस मैन, चतुर, वो तो वो चतुर था। He smiled and said, "My dear girl, the sparrow in your hand, the child sparrow in your hand, is as you wish to see." वो वैसा ही है जैसे तुम उसे देखना चाहती हो। यानी तुम चाहती हो उसको जिंदा देखना तो वो जिंदा है, और तुम चाहती हो कि उसको मुर्दा देखे तो वो मुर्दा है। अब बात आई कि उसकी मुट्ठी में चिड़िया का बच्चा था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हथेली में कुछ और भी होता है। कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं बताने की, क्या बताते हैं वो?
नसीब बनाते हैं। तो जिस तरीके से मुट्ठी में रहने वाला चिड़िया का बच्चा वैसा ही होता है जैसा कि वो लड़की चाहती थी, वैसे ही ये हाथों की लकीरें भी वैसा ही नसीब बनाती है जैसा कि हम बनाना चाहते हैं। अब बच्चों ने कहा कि इसने तो इतनी आसानी के साथ जवाब दे दिया, क्या करें? तो मैं ही कहूँ सोचा कि कुछ और पूछना चाहिए। अगर सर वन मोर क्वेश्चन प्लीज, उसने कहा ओके प्लीज टू गो अहेड टू आस्क सेकंड क्वेश्चन। उसने कहा कि सर वो हमारे कॉलेज में जहीराबाद के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सिंपोजियम हुआ, वो सिंपोजियम में कैपेसिटी बिल्डिंग टॉपिक था और वो उन लोगों ने हमको बताया कि ऐसी स्किल डेवलप करो, वैसी स्किल डेवलप करो, यू करो त्यू करो तब जाके तुम सक्सेस होगे। सर वो सब वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप सो मेनी क्वालिटीज इन अस। सर सक्सेस का एक फॉर्मूला बता दीजिए, एक सिर्फ एक, and that should be suitable to all of us. उसने कहा कि अच्छा अच्छा, before I reply to your question, let me ask one question to everybody from you. मैं भी एक सवाल करना चाहता हूँ उस तानाद में। सर बोलिए। तो बहुत ही smart, beautiful लड़के की तरफ देखकर उसने कहा, मैंने सब कुछ गलती की क्या? मैंने कहा एक ब्यूटीफुल लड़के की तरफ उसने देखकर कहा चाहिए। देखिए लड़कों को नहीं मालूम है, लड़कियों को मालूम है। वाओ वेरी स्मार्ट आंसर, राइट गुड। सो द वाइज मैन लुक्ड एट अ वेरी हैंडसम बॉय एंड सेड, जनाब आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? अब वो लड़का जो हैंडसम था उसको मालूम था, उसके दोस्त उसको बताते थे, हीरो बोलते थे उसको सब, उसको मालूम था सब लोग हीरो बोलते हैं, मैं स्मार्ट हूँ उसको मालूम था। तो उसने कहा क्या वो कैसा बोलू, शर्मा रहा था थोड़ा सा, है ना? वैसे भी आजकल तो लड़के ही शर्माते हैं ना। नहीं मैं लड़कियों के बारे में कुछ कहा नहीं, देखिए। तो वो लड़का थोड़ा शर्माया और कहा कि सर मेरी पर्सनैलिटी मेरी हैप्पीनेस हीरो जैसी। ओके। फिर एक लड़की की तरफ इशारा करके कहा कि आपकी स्ट्रेंथ बताइए। अब उस लड़की की आवाज बहुत अच्छी थी, बहुत मिठास थी, शी वाज हैविंग अ वंडरफुल स्वीटेस्ट वॉइस। तो वो लड़की शर्माए बगैर बोली, वो लड़का शर्मा कर बोला था, लड़की शर्माए बगैर बोली। क्यों? वो तो अपनी आवाज के बारे में जानती थी, उसको फीडबैक भी मिल चुका था। तो उसने कहा कि सर आई हैव अ स्वीट थ्रोट, मेरा गला बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छी आवाज, मेरी अच्छी आवाज है। गुड। तीसरे दिन पूछा, चौथे दिन पूछा। वो एक लड़का था उसमें कंप्यूटर का कोर्स कर रखा था, तो उसने कहा कि सर वो मेरे पास सबसे अलग डिग्री है। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। द वॉइस मैन स्माइल्ड एंड सेड ऑल ऑफ यू हैव गॉट, ऑल ऑफ यू हैव शोन मी योर फेस वैल्यू, आप सबने मुझे अपनी फेस वैल्यू बताई। फेस वैल्यू किसको बोलते हैं बताइए? राइट, जाहिरी कदर, ऐसी चीज जो दिखाई देती है, ऐसी चीज जो लोगों को मरूब कर देती है, इंप्रेस कर देती है, जैसे आपका चेहरा, आपका रंग, आपकी हाइट, आपकी आवाज, आपकी डिग्री, ये सब चीजें क्या है, इंप्रेस करने वाली होती है। तो वाइसमैन ने कहा आप एक ही सजेशन चाहते थे मुझसे, एक एडवाइस चाहते थे सक्सेस के लिए। तो बच्चों ने कहा यस वी वांट वन एडवाइस। तो उसने कहा कि टर्न योर फेस वैल्यू इनटू डैश डैश वैल्यूज। अब मैं डैश डैश मैं नहीं कहूंगा, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, वो आपको देना है, आपको बेचना है। द
turn your face value into dash value. That was the advice given by the wise man. The wise man gave this advice. अब आप बताइए कि उसने क्या कहा? अपनी फेस वैल्यू को डैश वैल्यू में बदल दीजिए, उसने कहा। क्या कहा होगा? सोचिए। देखिए, मैंने कहा फेस वैल्यू को डैश वैल्यू में बदलिए, तो इंग्लिश वर्ड होना चाहिए वो, ठीक है? तो इंग्लिश वर्ड बोलिए आप। मैं आपको एक हिंट भी देता हूं, लेकिन पहले हिंट के बगैर कोशिश करें। जी, मार्केट वैल्यू। नो सॉरी, दैट्स नॉट द राइट आंसर प्लीज। जी, एक्सटर्नल वैल्यू। ओह नो, इंटरनल वैल्यू। ओके ओके, यू आर वेरी वेरी क्लोज बट नॉट एक्सैक्ट। चलिए अब मैं हिंट देता हूं, टर्न योर फेस वैल्यू इनटू आर वैल्यू। दैट वर्ड बिगिंस विद आर, आर से स्टार्ट होता है, आप पहचान लीजिए। रेंज वैल्यू। जी, रेंज। ओह, रेंज वैल्यू। ओके, और बताइए, आप लोग रियली बहुत स्मार्ट है, रियली बहुत स्मार्ट है, उस लक्ष्य तक पहुंचे। वाओ, आपके नाम तालियां, जोरदार तालियां। देखिए, मैंने जब कभी भी जिस महफिल में भी इस वाक्य को सुनाया, लोग इस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन आप लोग पहुंच गए, माशाल्लाह, रियली अप्रिशिएबल। तो टर्न योर फेस वैल्यू इनटू रियल वैल्यू। अब वो रियल वैल्यू क्या, वो रियल वैल्यू क्या होती है और उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर आपकी दिलचस्पी कायम है तो मैं बोलूंगा, और अगर आपकी दिलचस्पी खत्म हो गई, आप मुझे खुदाफिज बोलना चाहते हैं, तो मैं भी आपको खुदाफिज बोलूंगा। आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है। आर यू इंटरेस्टेड टू लिसन? यस सर। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ठीक, देखिए, सबसे पहली बात, आजकल जो हालात हैं, व्हाटएवर इज द सिचुएशन एट ग्लोबल लेवल, एक तरफ इसराइल और हमास की जंग जारी है, दूसरी तरफ दुनिया में कहीं पर जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, कहीं पर पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, खाली हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सारी दुनिया में अच्छा है और यही प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है, तो सारी दुनिया में प्रॉब्लम्स है। तो उन प्रॉब्लम्स को लेकर एक इमोशनल कैफियत पैदा हो गई है लोगों, जैसे इतने बड़े एक्सपर्ट बोलते हैं कि खूब अच्छा पढ़ो, मेरिट में आओ, आईएएस की तैयारी करो, ये तैयारी करो, वो तैयारी करो, तो कहीं ना कहीं दिल से एक हल्की सी आवाज आती है कि तैयारी करके क्या करेंगे। बहुत सारे तो आ जाते, कहीं मॉब लिंचिंग हो गई तो, कहीं घेर कर मार डाला तो, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो, ये तो जो है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट। अब इस दो को निकालना कैसे, मैं आपको बताता हूं। तकरीबन 100-150 साल पहले there was a method of giving death punishment in France। death punishment देने का खास स्टाइल था, वो क्या स्टाइल था? सुप्रीम कोर्ट से जिसकी भी death punishment फाइनल हो जाती थी, उसको punishment देने का तरीका वैसा ही था जैसे कि स्लॉटर हाउस में किसी जानवर को काटा जाता है मशीन से। तो इंसान को लिटा दिया जाता था, उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती थी। They used to count 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 1 बोलते के साथ ही ब्लेड आती थी और गर्दन को कट कर देती थी। ठीक, तो वहां के साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पहुंचे। उसने अभी अभी एक फैसला सुनाया था, एक आदमी को एक हफ्ते के बाद डेथ पनिशमेंट होना था। तो बोले, सर, वी एक्सेप्ट योर पनिशमेंट, व्हाटएवर पनिशमेंट यू प्रोनाउंस, वी एक्सेप्ट योर डिसीजन, बट वी वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट, अ स्मॉल रिक्वेस्ट, हम एक दरखास्त करना चाहते हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा बताइए क्या दरख्वास्त है। कहा कि सर वी वांट टू गिव द पनिशमेंट नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम व्हाटएवर यू हैव डिक्लेयर्ड बट इन आवर ओन वे नॉट विद द मशीन। उसने कहा कि नो नो हाउ कैन आई गिव द परमिशन अगर आपके तरीके में उसको ज्यादा तकलीफ हुई तो इफ यू फील्स मोर पेन बाय योर मेथड देन आई कांट गिव द परमिशन। उसने कहा कि नहीं सर वो जो एक्सपर्ट थे साइकोलॉजी के उन्होंने कहा कि नहीं सर हमारा जो तरीका है उसमें बिल्कुल भी उसको तकलीफ नहीं हो बगैर तकलीफ के डेथ पनिशमेंट होता है। उसने कहा अच्छी बात परमिटेड। अब उन्होंने क्या किया एक हफ्ते के बाद पनिशमेंट होने वाली थी आज ही उसको लेकर गए पनिशमेंट की जगह दूसरे पहले क्रिमिनल को जिसको सजा एक हफ्ता पहले हो गई थी उसको आज सजा दी जा रही थी तो देखो आपको ऐसा रिटायर जाएगा ऐसी काली पट्टी बांधी जाएगी इन काउंटिंग विल बी देयर प्लेट विल कम और उस आदमी को जिसको पनिशमेंट दी जा रही थी उसको दिखाया देखो ऐसा ही तुम्हारा हाल होगा नेक्स्ट वीक में। उसने कहा यस आई नो ठीक है उसको बता के लेके चले जेल में रहा वो एक हफ्ते के बाद उसको लेकर आए। अब लेकर आए उसको लिटा दिया आंखों पे काली पट्टी बांध दी काउंटिंग शुरू हो गई। अब वन पर आने के बाद मशीन ऑपरेटर को इशारा करके रोक दिया दे स्टॉप द मशीन ऑपरेटर एंड द ब्लेड कुड नॉट कट हिज नेक बट इमीडिएटली आफ्टर वन दे हैड ब्रॉट They had brought a little warm water with them in the bottle. वो अपने साथ एक शीशे में थोड़ा सा गर्म पानी लेकर आए थे। उन्होंने क्या किया? गर्म पानी उसकी गर्दन पे डाल दिया। थोड़ा सा गर्म पानी, नीम गर्म पानी, right? इतना गर्म नहीं था कि उससे जान जा सके। लेकिन गर्म पानी क्यों डाला हुआ? क्या एहसास होना? Right. So that he will feel as if it's spreading. Right? तो उन्होंने क्या किया गर्दन पर वो गर्म पानी डाल दिया और 5 मिनट तक साइलेंट देयर वाज साइलेंस एक आवाज नहीं आई वहां पर किसी से। 5 मिनट के बाद डॉक्टर आबेद मोई साहब वहां पर मौजूद थे फिजिशियन थे उनसे रिक्वेस्ट की साइकोलॉजिस्ट ने डॉक्टर साहब जरा चेक कीजिए। डॉक्टर साहब आए अपना आला लिया चेक किया उसको ये देखा ये देखा तो डॉक्टर साहब ने बोले कि ही इज नो मोर डॉक्टर आबिद मोइज डिक्लेयर्ड दैट ही इज नो मोर। तो मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इफ द ब्लेड कुड नॉट कट हिज नेक इफ देयर वाज नो ब्लीडिंग देन व्हाई डिड ही डाई सॉरी दैट्स नॉट दैट राइट आंसर। वो बिल्कुल डरा हुआ नहीं था एक हफ्ते पहले से उसको मालूम था ऐसा होने वाला है उसको बिल्कुल डर नहीं था उसका क्राइम इतना बड़ा था कि उसको मालूम था कि ऐसा होने ही वाला है फिर भी उसकी डेथ क्यों हुई उनका जैन में वही आके टक्कर है वो एग्जैक्टली राइट माय फ्रेंड एग्जैक्टली राइट। उस आदमी ने उस मुजरिम ने उस क्रिमिनल ने ये मान लिया था कि मैं मर चुका हूं जिसने ये मान लिया कि वो मर चुका है वो वाकई मर चुका है और जिसके आगे नहीं हम जिंदा हैं हम कुछ कर सकते हैं तो वही कौम और वही लोग कुछ कर सकते हैं। तो पहले बताइए आपने क्या मान लिया है अपने आप को मुर्दा मान लिया है नहीं क्या माना है अपने आप जिंदा माना है। उर्दू के बहुत मशहूर शायर जो हिंदू थे रघुपति साय फिराक गोरखपुरी उन्होंने कहा था कि कर्णों के मिटाने से मिटे हैं ना मिटेंगे हम जिंदा थे हम जिंदा हैं हम जिंदा रहेंगे। तो सबसे पहले ये मनफी किस्म की जज्बातियत नेगेटिविटी ये लोग ऐसा कर रहे वो लोग वैसा कर रहे ये जुल्म हो रहा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा मामले की ये सब अपने जहन से निकाल दीजिए। सबसे पहले ये तय कर लीजिए कि अभी हम जिंदा हैं हम कुछ कर सकते हैं ये जहन में सबसे पहले अपने बिठा लीजिए कि पास्ट में भी माजी में भी इस तरह के उथल पुथल होते रहेंगे ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा दुनिया में। इसराइल और हमास की जो जंग हो रही है ऐसा नहीं है कि दिस इज द वेरी फर्स्ट वॉर इन द वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री नो
ऐसी जगह भी बहुत सारी हुई और जिस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, फसाद होता है, दंगा फसाद ऐसे भी बहुत सारे हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली मरतबा हो रहा, ये सब बल्कि इससे भी बड़े बड़े वाकयात होते रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि अपने हौसले को बरकरार रखना। तो आपका हौसला जिंदा है या मर गया है पहले ये बताइए मुझे। जिंदा, राइट। फिर दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अनफॉर्चुनेटली आज के इस मटेरियलिस्टिक दौर में इसको लोग कवर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि लड़कियों ने जो तकरीर की बहुत वंडरफुल तकरीर की, मैं इतना मुतासिर हुआ कि मैं अल्फाज नहीं पा, और एक्सपर्ट्स की तरफ से जो बात आई है मैं क्या बताऊं आपको, मुझे खुद बहुत फायदा हुआ। रियली आई शुड कन्फेस कि बहुत फायदा हुआ, आज जो तकरीर हुई यहां पर बहुत फायदा हुआ। लेकिन एक पॉइंट मैं आप लोगों की नजर करना चाहता हूं कि हौसले को बरकरार रखने के बाद सबसे पहला आजम जो करना है वो ये कि जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी। इसलिए कि ऑनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बुक ऑफ विजडम। ऑनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बुक ऑफ विजडम। अगर आप विजडम तक जाना चाहते हैं, अगर आप समझदारी की सतह पर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ऑनेस्टी आना चाहिए। चीटिंग से मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, ग्रेड अच्छा मिल सकता है, क्लास अच्छी मिल सकती है, लेकिन चीटिंग से ऑनेस्टी नहीं आ सकती, विजडम नहीं आ सकती। चीटिंग जो है वो आपके अंदर विजडम है, और चीटिंग खाली एग्जामिनेशन में नहीं होती। अपना शेड्यूल बनाना, उसमें लिखना कि 6 बजे मैं उठूंगा और 8 बजे तक सोकर रहना, वो भी अपने आप के साथ चीटिंग है। ये तय कर देना कि आज से मैं व्हाट्सएप पर टाइम 1 घंटे के लिए लिमिट कर दूंगा, तय कर लेना कि मैं 10 से 11 देखूंगा, उसके बाद नहीं, उससे पहले नहीं, और 11 बजे के बाद भी व्हाट्सएप पर लगे रहना, ये भी चीटिंग है। और जब तक चीटिंग हमारी लाइफ से नहीं जाएगी उस वक्त तक विजडम हमारे अंदर नहीं आएगी, जहानत नहीं आएगी, समझदारी नहीं आएगी। हम खाली डिग्री याफ्ता हो सकते हैं लेकिन विजडम हमारे पास नहीं आ सकती। तो फर्स्ट रेजोल्यूशन जो हमको लेना है हौसले को रखने के बाद वह ऑनेस्टी। फिर उसके बाद जो है ना वो कमिटमेंट फॉर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। आज के इस दौर में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि मैंने फुला IIT से तालीम हासिल की और इतना परफेक्ट मुझे वहां पर तैयार कर दिया गया है कि अब थ्रू आउट लाइफ मुझे कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं। IIT होने दीजिए, AIIMS होने दीजिए, कोई इंस्टीट्यूट होने दीजिए, इंक्लूडिंग मानो, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद, हमारे टीचर्स, हम लोग क्या कर सकते हैं? सिलेबस के हिसाब से बेसिक चीजें सिखा सकते हैं। दूसरी चीज जो हम टीचर्स को करनी है वो क्या करना है, वो सीखने का जज्बा, पैशन, जोश और खरोश, इंतजाम पैदा करना है। तीसरी चीज सीखते किस तरीके से, वो तरीके बता देना है। और चौथी चीज बच्चों को दुआ देकर छोड़ देना है। और बच्चों ने ये बात मान लेना है कि जो बेसिक्स मैंने यहां पर सीखी है और जो जोश मेरे अंदर पैदा किया गया सीखने का, मुझे थ्रू आउट लाइफ सीखते जाना है, सीखते जाना है, सीखते जाना है। आप जानते हैं कि मोमिन के लिए कम से कम ये बात, फॉलोअर्स के लिए, दिस इज द पार्ट ऑफ द रिलीजियस टीचिंग। एंड व्हाट इज दैट? यू स्टार्ट लर्निंग एट द लैप ऑफ योर मदर, बट गो लर्निंग टिल यू रीच टू द ग्रेव, ग्रेवयार्ड, कब्रस्तान तक पहुंचने तक सीखते रहना। तो ये कंटिन्यूअस लर्निंग का दौर है। कितनी ही स्किल्स के बारे में बात की जाए, कितनी ही कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात की जाए, आप कहेंगे 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर, डिग्री के दरमियान, पीजी के दरमियान मेरा परफेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा कभी भी, किसी का भी नहीं होगा। मेरा परफेक्शन PhD के 95 मेरी PhD हुई थी, आज तक नहीं हुआ, किसी का भी परफेक्शन नहीं हुआ, कोई नहीं कह सकता कि नाउ वी आर परफेक्ट। So you need to go on learning. There should be complete commitment for continuous development. फिर critical thinking, क्या critical thinking? देखिए यूरोप के पास
अमेरिका के पास जो लर्निंग है, मेरे ख्याल से वो लड़कियों की तवज्जो बढ़ गई है। आप फिर भी आप उधर देख लीजिए, यहां से पहले जब आप सेटिस्फाइड हो जाए तो मुझे बताए, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, क्लोज करना है मुझे बस, लेकिन आपकी इजाजत से करूंगा। यू आर लुकिंग आउटसाइड समथिंग इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए पहले, फिर बताइए मुझे कि सर हमारा हो गया, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, आपकी इजाजत से स्टार्ट करूंगा। है यार है, ओके ठीक, मैं अब कंप्लीट कर रहा हूं, कंप्लीशन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, दो चार पॉइंट्स रह गए सिर्फ। देखिए जिन लोगों के पास नॉलेज की पावर है अमेरिका के पास, बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, उनके पास माइंड है, उनके पास नॉलेज है, नॉलेज का एप्लीकेशन है, लेकिन एक चीज उनके पास नहीं है और वो क्या है, कोई नीति नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, कोई अवतार नहीं है, इंसानियत का कोई दर्द नहीं है, एक आदमी की तलाश कर रहे थे और पूरे कंट्री को कोलैप्स कर देते, डिस्ट्रॉय कर देते, अफगानिस्तान में गए एक ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ना चाहते थे पूरे अफगानिस्तान को हिला देते, इराक में गए एक सद्दाम हुसैन को पकड़ना चाहते थे पूरे इराक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जहां जाते हैं तबाही मचाते हैं, क्यों, क्योंकि वैल्यूज में, वैल्यूज को चर्च की फोर वॉल्स में लिमिट कर दिया है। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मिलकर अपने अपने धर्म की नीति पर, उसके वैल्यूज पर, उसके मूल्य पर आगे बढ़ते हैं। तो आप इस हैसियत से आगे बढ़िए कि आप जो भी स्किल्स को डेवलप करेंगे, जो नॉलेज गेन करेंगे, वो सारी मानवता के लिए, सारी इंसानियत के लिए, सबके फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद के इस इन नौजवानों ने डिसीजन लिया कि हम अपनी नॉलेज पावर का इस्तेमाल इस देश को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे, मानवता को, इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहीं से एक बहुत अच्छी मूवमेंट, बहुत अच्छी तहरीक शुरू हो सकती है। आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, बास्केटबॉल के एक बहुत ही मशहूर मारूफ प्लेयर का नाम आपने सुना होगा, माइकल जॉर्डन, नाम सुना है आपने, माइकल जॉर्डन, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल इज अ वेरी पॉपुलर गेम इन अमेरिका। तो माइकल जॉर्डन बेसिकली हिज फोर फादर्स वेर माइग्रेटेड फ्रॉम अफ्रीका, so his skin's color is black. When he was 13 years old, he developed a sort of inferiority complex. वो एक inferiority complex का शिकार था, एहसास से कमतरी का शिकार था, अपने आप को कमतर समझता था, इसलिए कि उसके फादर जो थे उनकी सैलरी बहुत छोटी सी थी, समाज में कोई पोजिशन नहीं थी, ब्लैक कलर होने की वजह से जो गोरे रंग के लोग थे वो अच्छी नजरों से नहीं देखते थे, तो वो लड़के पर कहीं ना कहीं एक असर हो गया था। उसके फादर ने बात महसूस की है कि मेरा बेटा इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में जा रहा है। तो एक दिन वो आए, उन्होंने एक ओल्ड टी शर्ट उसको बताया, ओल्ड टी शर्ट जानते ना, ये सर ये भी शर्ट, टी शर्ट किसी काम में है सो, हाँ यहाँ पर टी शर्ट है राइट। तो ही शोड एन ओल्ड टी शर्ट टू द बॉय माइकल जॉर्डन और बोले बेटा इस टी शर्ट की कीमत क्या हो। तो उसने बोला हो सकता है कि $1 होगी। कहे अच्छा $1 ठीक है बेटा, मैं चाहता हूं तुम इसको मार्केट में ले जाओ $2 में बेच कर आओ, $1 के टी शर्ट को $2 में बेच कर आओ। बोला अब फादर तो बोले और चले गए। उसने सोचा कि $1 का टी शर्ट वो भी पुराना और लोग बोले $2 में बेच कर आओ, कैसा होगा, कैसा होगा। एक आइडिया दिमाग में आया, वो टी शर्ट जो है उसको उसने धोया, उसको प्रेस करना चाहता था, घर में आयरन इस्त्री नहीं थी, अब क्या करूं। तो उसको जमाया, जमा के उसको पूछ रखी, दूसरा वजन रखा, थोड़ी देर छोड़ दिया
और उसके बाद उसको निकाल के देखा तो जरा उसमें जान पैदा हो गई, शाइनिंग आ गई थी। अब वो क्या किया, रेलवे स्टेशन के पास गया, एक ऐसे रेलवे स्टेशन के पास गया जहां पर विलेजेस के लोग आते थे, वहां पर शॉपिंग करते थे, चले जाते थे। तो वहां गया और उसने कहा वंडरफुल टी शर्ट फॉर $2, वंडरफुल टी शर्ट फॉर $2, वंडरफुल टी शर्ट फॉर $2। अब उनके पास पैसे जेब में नहीं, उनके पास वक्त की ट्रेन जा रही थी, तो एक गाने खरीद लिया $2। जैसे ही $2 उसने खरीद लिया, हुर्रा आई डिड माय जॉब, तो देख दौड़ते गए इधर और कहते फादर फादर आई डिड माय जॉब, आई हैव सोल्ड इट फॉर $2। ओके माय सन, वेरी गुड ही पैटेड हिम, दबाया, वेरी गुड कहा। फिर दूसरा टी शर्ट दिखाया, वैसे था वो भी पुराना, बोले दिस टाइम यू नीड टू सेल इट फॉर $20। कितने? $20. फादर ऐसा बोले, अब नेक्स्ट डे क्या करूं, $20 भाई, $1 का टी शर्ट $2 में बेचना इतना मुश्किल, क्या क्या करूं। खैर धोया सुखाया प्रेस किया और सोचता था कैसे इसको $20 से कैसे बेचूंगा, वो टी शर्ट का साइज भी थोड़ा छोटा भी था, बच्चों का था, तो उसको आइडिया आया, वो दौड़ दौड़ अपने कजिन के पास गया। हिज कजिन हैपेंड टू बी अ पेंटर आर्टिस्ट, वहां गया और बोला भैया भैया इस पर इस टी शर्ट पर मिकी माउस की फोटो बना दो, मिकी माउस, अच्छा मिकी माउस बना दो। अब उसके लिए क्या था, उसके पास पेंसिल थी, ब्रश था, कलर था, सब कुछ, 10 मिनट के अंदर उसने मिकी माउस बना दिया, ये उसको सुखा दिया उसने, और सुखाकर आप जाके रेलवे स्टेशन के पास नहीं खड़ा हुआ, अब एक कॉन्वेंट स्कूल के पास, पॉश स्कूल के पास जाकर खड़ा हो गया। और वहां पर उसने ये नहीं कहा वंडरफुल टी शर्ट फॉर $2, ये नहीं कहा उसने, उसने कहा वंडरफुल मिकी माउस फॉर $20, वंडरफुल मिकी माउस फॉर $20, वंडरफुल मिकी माउस फॉर $20। बच्चे तो बच्चे होते, उनको टी शर्ट का कपड़ा कैसा है, नया है या पुराना, इससे मतलब क्या है, वो कलरफुल मिकी माउस से दिल ललचाया बच्चों। तो एक बच्चे ने जो कार से उतरा था $20 में खरीदा और $5 एक्स्ट्रा टिप भी दे दिया उसे $25। अब लास्ट घर पे आया, फादर ने कभी तब दबाई शाबाशी दी सब किया, लेकिन एक टी शर्ट और दिया लास्ट, कहा कि माय सन दिस टाइम यू नीड टू सेल इट फॉर $200। फादर तो बोले और चले गए, सर लेके बैठ गया, क्या करूं क्या करूं, ऐसे उठा आंख खुली तो वहां पर पेपर न्यूज़पेपर था, देयर वाज न्यूज़पेपर एंड देयर वाज अ न्यूज़, न्यूज़ क्या थी कि अमेरिका की बहुत ही खूबसूरत बहुत पॉपुलर हीरोइन फरजाना फर्नांडिस वाज गोइंग टू विजिट हिज प्लेस, उसके इलाके में आने वाली थी, वहां उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फरजाना फर्नांडिस। तो ये बहुत खुश हुआ, उस टी शर्ट को धोया, उसको प्रेस किया और एक जो है ना परमानेंट मार्कर लेकर जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे जाके बैठ गया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब सब चल रहे थे, बहुत सारे लोग उस हीरोइन की खूबसूरती को देखने के लिए छुप छुप कर भी आए हुए थे, बहुत पुराने पुराने लोग भी आए हुए थे, सूट पहनकर टाई लगाकर, है ना, चाहने वाले हीरोइन को चाहने वाले। अब जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और ऑलरेडी खड़ी हुई अपने बालों को ऐसे सहलाते हुए जमाते हुए, तो एक मैडम योर ऑटोग्राफिस, मैडम योर ऑटोग्राफिस। अब जनाब उसके लिए क्या मुश्किल था, पेन भी मौजूद था, टी शर्ट में मौजूद था, उसने एक अदाए दिलरुबा से पेन को उठाया और साइन कर दी और जाके कार में बैठ गई चले गई। अब वो जैसे ही गई वहां पर, मैडम ऑटोग्राफ $200, मैडम ऑटोग्राफ $200। अब जनाब वहां तो मैडम के चाहने वालों की एक भीड़ थी, उस पर ऑक्शन हुआ और उस ऑक्शन में वो टी शर्ट $1200 और फिर कहा कि मेरे बेटा ये टी शर्ट
$1 का टी शर्ट, तुम चाहो तो उसकी कीमत बढ़ा के $2 में बेच सकते हो, तुम चाहो तो 20 और 25 डॉलर में बेच सकते हो, और तुम चाहो तो उसी टी शर्ट की कीमत तुम $1200 में बना सकते हो। बेजान टी शर्ट की कीमत जब बढ़ सकती है तो माई सन यू आर अलाइव, तुम जिंदा हो, तुम अपनी कीमत क्यों नहीं बढ़ा सकते। आपने कहा था कि हम जिंदा हैं, बताया था कि नहीं बताया? बस अपनी कीमत को बढ़ाइए, यही कैपेसिटी बिल्डिंग है। थैंक यू सर। आपने बहुत ही मोटिवेशन स्पीच दी है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, यानी कि जिंदा हो तो जिंदा होने की मरहमत भी देना है हम लोगों को। जब तक इंसान में पॉजिटिव माइंड रहता है वो इंसान कामयाब रहता है, जब इंसान में निगेटिव स्टार्ट कर दे तो उसकी नाकामी का सवाल शुरू हो जाता है। तो साहब यही बता रहे थे कि आप अपनी कीमत बढ़ाना है अपने हुनर से, अपनी स्किल से, इस पर अमल करते हुए अपनी कामयाब बने। अब मैं सदर जलसा अलीना डॉक्टर मोहम्मद असलम फौकी साहब को स्टेज पे बुलाता हूँ अपने तकरीर के लिए एक शेर के साथ। मुझको तेरे अंदाज़े सुकून पर ही नाज है, मुझको तेरे अंदाज़े सुकून पर ही नाज है, तू आ गया तो सारी ही महफिल पे छा गया। आइए डॉक्टर असलम फौकी साहब। हाजरीन महफिल स्टार्ट है अली जनाब प्रोफेसर अहमद सिद्दीकी साहब, डॉक्टर संजीव दास साहब, डॉक्टर आबिद मई साहब, मुजफ्फर साहब, लेक्चरर्स और डियर स्टूडेंट। सबसे पहले मैं डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब और शोबे सियासियात इस कॉलेज की उनको मुबारकबाद पेश करता कि उन्होंने मौलाना आजाद कोट यूनिवर्सिटी के दो अहम असातिज़ा और ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि आलमी सतह पर मशहूर शख्सियत डॉक्टर आबिद मई साहब को आपके हमारे इस्तेफादे के लिए यहाँ मदू किया। उनवान था कि तलबा में सलाहियतों का फरोग और असली तकाजे, तो ये भी एक सलाहियत है कि तलबा के लिए माहिर असातिज़ा को मदू किया जाए। ये हमारे पास लेक्चर बहुत सारे हैं लेकिन दोस्ताना रवाबित और शख्सियत का जो असर होता है, डॉक्टर गौस साहब जो है साबित में उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर रहे थे तो उस वक्त भी आपने कई प्रोग्राम पेश किए, तो ये आप लोगों को भी सीखने का एक मौका मिला कि बड़ी बड़ी शख्सियात से इस्तेफादे के लिए हमको अपनी सलाहियत का कैसे इस्तेफादा करना। देखिए डॉक्टर गौस साहब ने अपनी खैर मुकदमी तहरीर में कहा था कि ये प्रोग्राम तो अब शुरू हो रहा है लेकिन जब प्रोग्राम ख़त्म होगा तो आप यहाँ से जिंदगी की एक रमत लेकर जाएंगे। मैं सभी मुकर्रिन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके जो इल्मी दानिशवराना जो ख्यालात थे, ये ख्यालात से ना सिर्फ हम सीनियर असातिज़ा को फ़ायदा हुआ बल्कि जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो उम्मीद की किरण है मुस्तकबिल के जो मेमार हैं, उन लोगों को भी बहुत बड़ा फायदा है। तो देखिए कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात जिन असातिज़ा से हैं, जिन मुफक्किरीन से हैं और तलबा के फायदे के लिए जिनसे जो फायदा हो सकता है उन्हें यहाँ मदू किया जाए। देखिए कि एक उस्ताद का जो लेक्चर होता है उनकी जिंदगी के तजुर्बात और कई सैकड़ों किताबों के मुताले के बाद वो लेक्चर होता है। तो ये आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों ने ये उर्दू यूनिवर्सिटी के जो दो असातिज़ा हैं उनको सुना। देखिए ये कहा जाता है कि प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए, लेकिन आजकल हमारी नई नस्ल का ये आलम है कि हमको हमारी प्यास का ही एहसास नहीं कि हमको क्या चाहिए। डॉक्टर गौस साहब जैसे असातिज़ा है तो ये जो ऐसे लोगों को मदू किए तो ये लोग आकर अपनी जिंदगी का बहुत मसरूफ वक्त होता है इनका, इनको कई लोगों से रवाबित रखने पड़ते हैं, उनका वक्त के सिवा से उनको अपनी ज़िंदगी की फ़राइज़ निभाना पड़ता है, उसमें से वक्त निकाल के आपके लिए यहाँ जहीराबाद हैदराबाद से 100 किलोमीटर आए
पूरा एक दिन दिए, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग बारिश के खतरे बनकर आपको सैराब करने के लिए यहाँ आए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो वक्त और आपकी जो धर्मशाला ख्याल थे, इससे हमारे तलबा को बड़ा फायदा होगा। जैसे नजीरुल्लाह साहब ने मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में आला तालीम के जो मौके बोले, जैसे अमीरुन्निसा का जिक्र मैं हमारे से किया कि ये अभी से जो है आईएएस बनने का जज्बा लेकर बढ़ रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ये जो नतीजा आया कि 51 मुस्लिम जो आईएएस सेलेक्ट हुए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं अगले 5-6 साल में हमारे कॉलेज से कोई आईएएस ऑफिसर भी यहाँ से मुतलक हो। आज का जो ये लेक्चर है, ये एक दो मिनट में इस मौजू पर भी बात करना चाहूँगा कि हमारे इस मौजू के 3 हिस्से हैं, तलबा, सलाहियत और असली तकाजे। देखिए तलबा आप हैं और हम लोग उनके प्रिंसिपल मैं हूँ, हमारे कॉलेज के लेक्चरर्स हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपको आने वाले जमाने के और मौजूदा जमाने के जो तकाजे हैं, इन तकाजों से आप हम आहंग हो और इनके मसाइल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए हल करते हुए आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। तो देखिए वक्त आपका बहुत कीमती है, नौजवानी का जो वक्त है ये बहुत कीमती है। आप लोगों ने हदीस में भी बात सुनी होगी कि अल्लाह ताला मरने के बाद आपसे पूछेगा कि अपनी उम्र किस काम में गुजारी, ये सवाल होगा। उसी में एक अलग से सवाल है कि जवानी किस काम में गुजारी। तो थोड़ा सा मैं इस मौजू को बात करते हुए इब्तिदा से आना चाहूंगा कि देखिए हम इस दुनिया में नहीं थे, अल्लाह ताला ने जिंदगी की नेमत दी, हमने कोई दरकार नहीं दी कि हमको दुनिया में भेजा था। तो अल्लाह ताला ने हमको जिंदगी की जो नेमत दी है, ये बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी है, लाइफ इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो अब ये जिंदगी अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह ताला ने करम किया कि अच्छे घर में हमको बैठे, सेहत के अतबार से भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि सेहत मंद दी है आँख कान नाक, क्योंकि ये जो नेमतें हैं जिसके पास नहीं है उनसे पूछो, अगर किसी के पास आँख नहीं है तो पूछो तो वो बोलेगा मुझे आँख चाहिए। अल्लाह ताला ने हमको जिंदगी की नेमत दी, अच्छे घर में परवान चढ़ाया, मासिक त्योहार से कभी बेशी हो सकती है लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हम कभी भूखे रात में नहीं सोते। तो आप देखिए कि आप डिग्री कॉलेज पे यहाँ तक आ गए हैं, तो यहाँ से आपकी जो है जिंदगी में वक्त की तायुन वक्त का हदर बहुत जरूरी है। देखिए आज चैलेंजेस जो है हमारी जिंदगी के असली तकाजे जो आ गए हैं, दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसे स्मार्टफोन आप देख रहे हैं, जैसे मोदी साहब ने कहा कि कंसंट्रेशन हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। तो देखिए कि दुनिया में हमारा वक्त खाने के लिए, वक्त बर्बाद करने के लिए बहुत से वसाइल आए। इस दरमियान में आपको अपनी जिंदगी का एक मकसद तय करना है, आपके पास आपके असातिज़ा हैं, इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे पास एक मिसाली शख्सियत हमारे साथ है, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया, और हम खुशकिस्मत हैं कि हम उनको मानते हैं। तो देखिए ये असातिज़ा हैं, ये मिसाली लोग हैं, और हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में एक जहन बनाएं कि ये जो वक्त का तेजी से कारवां गुजर रहा है, इसमें हमको करना क्या। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लेक्चर में किसी ने कहा था कि दुनिया में हमको ना बोलने की भी सलाहियत होना चाहिए, रिजेक्ट करना। आपका वक्त खाने के लिए आपके रिश्तेदार हैं, आपका वक्त खाने के लिए दावतें हैं, आपका वक्त खाने के लिए स्मार्टफोन है और कई लोग हैं। और ये आखिरी जमाने में वक्त तेजी से गुजर रहा है, आप देखे होंगे कि 2024 जनवरी हम शुरू किए, आज अप्रैल में आ गए, थोड़े दिन के बाद साल खत्म होगा, रमजान आया भी था चले गया, अब जो है बकरीद आएगी, लोग आजीमे हज को जाएंगे। तो ये वक्त का कारवां तेजी गुजर रहा, वसाइल इतने ज्यादा हो गए कि हमको वक्त की बेबरकती है। इस दरमियान में हमको पर्सनालिटी डेवलप अपनी शख्सियत बनाना, जैसे कि हमारे इतने असातिज़ा बोले कि देखिए कि इंसान को तलब भी होना चाहिए, जैसे हदीस की बात में कहा कि हमको जो है गोद से गोद तक इल्म हासिल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर इंसान उसके जहनी तरबियत ऐसी हो जाए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो बेकार होता है। देखिए आज हम लोग भी है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए अनुमान से हमको चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हमको सीखना पड़ता है। और आप लोग टेक्नोलॉजी के अतबार से हमसे ज़्यादा आगे, फ़ोन के जरिए से आप छोटे छोटे वीडियो बना सकते हैं या जो भी नए चैलेंज हैं। देखिए कि ज़माना तेज़ी से गुजर रहा है, जैसे आप आधार कार्ड सुने होंगे
और बहुत सारे जो है आजकल सर्विसेज निर्माण आ गए, सबका जाना जरूरी। तो इसमें आपको करना क्या है कि हमारे लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है इसको तय करना है। और जैसे कहा जाता है कि घोड़े के जो आंख होती है उसके ऊपर एक चमड़ा लगा दिया जाता है ताकि वो सीधा देखे, ऐसे ही हमको भी इधर उधर भटकना नहीं है। जैसे रजीवुल्लाह साहब ने कहा कि आप कैरियर पे मकसद बनाइए, और डॉक्टर आबिद मोहित साहब ने कहा कि प्लान ए के साथ प्लान बी भी होना चाहिए। तो मैं ये जब साहब बोल रहे थे मेरे जहन में भी, जैसे मेरी अपनी जिंदगी का वाकया है कि मेरे बड़े भाई, हम दो भाई है, बड़े भाई साहब यूनानी के डॉक्टर है, तो उनकी ख्वाहिश थी और घर के लोगों की ख्वाहिश थी, दो बेटे हमारे वाले साहब के, चार बहने हम लोग, तो एक बेटा डॉक्टर है तो एक बेटा इंजीनियर बनना चाहिए। तो मैंने एसएससी मेरा में जो पास किया तो मेरे इंग्लिश में नंबर ज्यादा थे, सोशल में ज्यादा थे, मैथ्स में थोड़े कम थे, साइंस में थोड़े कम थे। तो भाई साहब मशवरा करके मुझे हैदराबाद में एमपीसी में एडमिशन दिया, क्योंकि एक भाई डॉक्टर है एक भाई इंजीनियर है, लेकिन एमपीसी मुझे पसंद नहीं था। दो साल किस तरह पढ़ लिया, क्योंकि वालिद साहब एक दोस्त मेरे मजामिल एसएससी में देख के बोले कि इनको आर्ट्स में दिलचस्पी है, आर्ट्स में आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरी जिंदगी की पटरी जो है तब्दील हुई, मैं एमपीसी के बाद बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया, उसके बाद आपके सामने है। तो देखिए कि आजकल आपको अपनी सलाहियतें इतनी अच्छी करना है कि दुनिया आपकी कदर करे। हिंदुस्तान के बारे में दिल्ली आज के अखबार में है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क बन 144 करोड़ है, यहाँ पर उसी की कदर होगी जिसके पास सलाहियत होगी। देखिए कि आज हम लोग अपनी ड्यूटी करते हुए भी समाज की जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभा रहे हैं। मुख्तलिफ कॉलेजेस से हमें फोन आते हैं कि सर पर्चा बना के भेज दिए, और मुख्तलिफ मौजूदात पर हमको तर्जुमा करना है, तो हमारे अंदर सलाहियत होगी तो लोग फोन करके पूछेंगे और आपको जो है वो काम करना है। तो अल्लाह ताला ने आपको अशरफ बनाया है, उम्र दी है, दुनिया में अल्लाह ताला ने नियाबत के लिए भेजा है। साहब ने कहा कि पैसा तो आ जाता है, ठीक है, तो आपको जैसे बाल ने कहा पूरी दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो, कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया तुमको याद रखे। जबाल ने कहा था कि झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है ये बात। तो ये जो आपकी नौजवानी की उम्र है इसको बेकार में मत गुजारिए, अच्छे असातिज़ा की सोबत याद कीजिए, इस तरह के जो असातिज़ा है और अच्छी विसारी शख्सियतों का मुताया कीजिए। इसके अलावा तलब इल्म रखिए, इंसान की जिंदगी में रोजाना की बुनियाद पर जो हादसे आते हैं इससे हमारी जिंदगी में तजुर्बा आता है, तो कभी भी आंख बंद नहीं करना चाहिए। मेरा एक मजमून है आज, हमको आज के दिन को बेहतर बना, छोटे छोटे प्लान बनाइए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, प्लान ए प्लान बी रखिए और असातिज़ा से मशवरा रखिए और जिंदगी को कामयाब बनाइए। देखिए कि जितनी सलाहियतें हैं ये इंसान को आगे बढ़ने के लिए, तो हमारा मकसद क्या है, जिंदगी पुरसुकून गुजरे और हम कुछ ऐसा काम कर जाए कि दुनिया हमको याद रखे। जो कलाम साहब हैं या जितनी भी शख्सियत हैं, तो आज के इस सेमिनार का निचोड़ यही है कि आप नौजवान हैं, आपके सामने एक दुनिया है, इस दुनिया को फतह करने के लिए आपको बासलाहियत होना है, अपनी जिंदगी बेहतर बनाना है, और जिस कायनात में रहे और अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए आपको भेजा है उस मकसद को पूरा करने के लिए आपका साथ होगा। तो आप सबको नेक ख्वाहिशात के साथ मैं आज इतने असातिज़ा हैं आपको, आपका मैं कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन की जानिब से, हमारे स्टाफ की जानिब से, स्टूडेंट की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे तलबा आपके पास यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए आएंगे तो आप लोग उनकी रहबरी कीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इस हाल में आप जो लोग बैठे हैं सुने हैं ये दुनिया में तरक्की करेंगे। देखिए ये जो मौजू है जब इसको हम सोशल मीडिया पे पेश किए तो दीगर कॉलेजेस के लोग बोले कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्या हम ये प्रोग्राम देख सकते हैं, तो मैं बोला कि हम कोशिश करें। तो ये जो प्रोग्राम है आज यहाँ रिकॉर्ड हो गया है, अब 2-3 घंटे के बाद ये YouTube पर आ जाएगा। तो जितने कॉलेजेस के लोग ये प्रोग्राम देखना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे, तो आप लोगों का जो कीमती वक्त है आपका पैगाम सारी दुनिया में जाएगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद से सीखने सिखाने का सिलसिला ऐसे ही जारी रखे। शुक्रिया। डॉक्टर असलम फारूकी साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं,
कि आज तो उन्मान को की दुकान में उनके तहसील किया है काफी समझने वाली बात है तलबा सलाहियत और तराजे। जाहिर सी बात है कुछ भी आप काम करें उससे तराजे होते हैं, अगर आप तराजों को पूरा करते हैं तो आप उस काम में कामयाब हो पाते हैं। तो आप यहाँ तक आ रहे हैं तालीम हासिल करने के लिए उसके भी कुछ तकाजे हैं और घर में कुछ काम करते हैं तो उसके भी कुछ तकाजे हैं। तो आप अपने हुनर में अपने फन में अपने स्किल में सलाहियत पैदा करना हो तो उन तकाजों को पूरा करते हुए आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आगे हमें इस प्रोग्राम के आगे बढ़ाने के लिए मैं के लिए हमारे मुजफ्फर साहब को गाँव के वो थैंक यू। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर और आज के तमाम मेहमान खुसूसी और साथी लेक्चरर्स और तमाम तलबा तालिबे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर आबिद मई साहब हमारे कॉलेज के तलबा के लिए यहाँ की लाइब्रेरी और उर्दू डिपार्टमेंट के लिए आपकी तहरीर करता कीमती किताबें लाए हैं, तो मैं डॉक्टर आयशा बेगम से खाइश करूँगा कि वो तोहफा कबूल करें। बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका इल्मी जो सरमाया है और आप लोगों से भी ख्वाहिश है कि किताबों को पढ़िए। डॉक्टर साहब मिजा निगार भी हैं और वो पेशे दिल से वाबिस्ता होने के साथ साथ मिजा भी बहुत लिखते हैं, आलमी सतह के मशहूर राइटर हैं सर। आपकी किताबें उर्दू डिपार्टमेंट के लाइब्रेरी में रहेंगी, आप लोग इनको जो है इशू कराइए और पढ़कर जो है आप भी लिखने की काबिल बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद मई साहब। तो आज की इस बेहतरीन और मालूमती तकरीर से पहले तकरीब के अख्तिताम से पहले जो मेहमान खुसूसी है मेहमान खुसूसी का कॉलेज की जानिब से और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की जानिब से शादोश की जाएगी, तो मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैदराबाद के तमाम असातिज़ा से गुजारिश करता हूँ कि वो सबसे पहले आपके जो मेहमान हैं प्रोफेसर साहब की शादोश करें। मैडम फिर अंदर आएंगे, आप लोग तमाम आइए सुरक्षा आप लोग करिए। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की जानिब से
तमाम असातिज़ा मिलकर प्रिंसिपल साहब की शाल पोशी कराएंगे। महमूद सुजन साहब, इसके बाद मैं तमाम असातिज़ा और तमाम असातिज़ा यानी इससे बार मेहमान खुशी या मुझसे हमारे डॉक्टर गौस साहब की दिलखुशी की जाती है, क्योंकि डॉक्टर गौस साहब की जानी से इस प्रोग्राम को कामयाब किया गया है। अब इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की जानी से अभी नए जो डॉक्टरेट हासिल कर चुके हैं डॉक्टर मोहम्मद तनवीर साहब को शालखुशी की जाएगी। अब इसके प्रोग्राम के इख्तिताम के लिए वोटा थैंक्स के लिए मैं डॉक्टर सुरेंद्र साहब को दावा देता हूं कि वो वोटा थैंक्स पेश करें। सर सर वोटा थैंक्स हीरो ना वोटा थैंक्स మరియు మరియు గొప్ప రచయిత అయినటువంటి మన లైబ్రరీకి బుక్స్ సాధించినటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని మరెప్పుడైతే మన ప్రిన్సిపల్ సార్ వచ్చాడో మన కళాశాలలో యాక్టివ్ స్కూల్ అయిపోయినాయి, బహుశా సార్లే న్యాక్ వచ్చేదేమో ఏ గ్రేడ్ వచ్చేదేమో, కాబట్టి మనందరి తరఫున ప్రిన్సిపల్ సార్కి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। ముఖ్యంగా వెరైటీ కార్యక్రమాలు అంటే అన్ని మేధావులకు ఉపయోగపడి విద్యార్థులను మేధావులుగా తీర్చిదిద్దే కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నటువంటి మా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ డాక్టర్ గౌసారికి మరియు ఈ కార్యక్రమాన్ని దివ్యం చేసినటువంటి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ మూర్తి సార్ మరియు శకుంతల మేడంకి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। ఏదైనా ఏ కార్యక్రమం అంటే పుణ్యాది ఇంపార్టెంట్ ఫౌండేషన్, ఈ ఫౌండేషన్ లో ఉన్నటువంటి తన్వీర్ సార్ ముజఫర్ భాయ్కి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం, సిద్ధప్ప సార్కు మరియు ఇక్కడికి ముఖ్యంగా ప్రీతి మేడం మిగతా అధ్యాపక బృందం అందరికి ఆయేష మేడం పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా ఓపికతో విన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కు ఎస్పెషల్లీ కంగ్రాట్స్ చెప్తూ ఈ కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగించినట్టు ప్రకటించడం జరిగింది। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ सर। कहाँ है वो क्लोज ये।